की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और विशेष रूप से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज के दिन जन्माष्टमी है, कृष्ण का जन्म दिवस है। और कृष्ण जिनकी मर्यादाओं के बारे में बात करते हुए हर आदमी थोड़ा सा संकोच भी अनुभव करता है, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हम भारतीय प्रतिमानों की मीमांसा करने जा रहे हैं। कृष्ण के जो पक्ष हैं उनको, उनसे तो आप सभी परिचित हैं, और मुझे लगता है कि आज का ये दिवस बहुत विशेष महत्व का इसलिए हो जाता है कि हम एक तरफ तो राम को अपना आधार मान करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, और दूसरी तरफ हमें कृष्ण अपनी चेतना शक्ति से खींच करके ले जाते हैं। तो एक और राम का आनंद और दूसरी तरफ कृष्ण का आकर्षण, इन दोनों के बीच में आज जो हम चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं वो है 21वीं शताब्दी में जीवन के भारतीय प्रतिमान की मीमांसा, जिसे अंग्रेजी में पैराडाइम कहते हैं। तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और उसके लिए हमने बड़े सम्मान पूर्वक आदरणीय श्री दिलीप पांडुरंग केलकर जी, जो महाराष्ट्र से हैं, उनको हमने सादर आमंत्रित किया है कि वो विषय पर विषय विस्तार है उसके विभिन्न आयामों से हमें वो परिचित करवाएंगे। इससे पूर्व कि मैं उनका परिचय कराऊं और आप सभी लोगों का स्वागत करूं, मैं जल्दी से कुछ एक बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं पृष्ठभूमिका के रूप में आप लोगों के साथ। जैसा कि आप अपने इसके ऊपर देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसमें तीन पक्ष हैं। एक पक्ष है जहां पर हम भारतीय दृष्टिकोण, जिसे हम कहते हैं, जो कि कृषि आधारित रहा है, इसी भारतीय प्रतिमानों के बारे में बात करते हुए, कि एक प्रतिमान जो रहे होंगे उसका जो आधार रहा होगा वो कृषि आधार रहा है, कृषि संस्कृति उसका आधार रहा है। और उस दृष्टि से अगर आप देखें तो पुरुषार्थ जो है वो प्रतिमान हमें पता लगता है, ऐसा हमें मानना चाहिए कि वो पुरुषार्थ शायद प्रतिमान होगा। और जैसा कि मैं हर बार ये कहता हूं कि हम जब भी कोई सेमिनार वेबिनार करते हैं, विचार चर्चा करते हैं, तो वो केवल कोई निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए नहीं होती, वो केवल अपने विषय, अपनी दृष्टि का विस्तार करने के लिए है, विषय की सूक्ष्मता और उसकी गंभीरता को और अधिक व्यापक करने का प्रयास होता है। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें तो जो प्रतिमान है उनमें पुरुषार्थ प्रतिमान भारतीय संस्कृति का मूल आधार मुझे लगता है। अगर आप नीचे की ओर आ जाएं, बिल्कुल नीचे की ओर, जहां पर ग्रीक और पश्चिमी दृष्टिकोण से अगर प्रतिमानों की आप चर्चा करने लगेंगे, तो ऐसा लगता है कि जैसे वहां पर देवताओं, राज्य और चर्च के विरुद्ध क्रांतियों के रूप में जो है आपको दिखाई देता है प्रतिमान स्थापित होते हैं, क्योंकि वहां पर हमेशा ही ग्रीक ट्रेडिशन में जो है वो देवताओं से मनुष्य छीन करके लाते रहे हैं, और फिर वहां एक हीरो वर्शिप जो है वो होती रही है। और ठीक इसी तरह से राज्य और चर्च ने जिस तरह से सप्रेशन वहां वेस्ट में किया है और उसके विरुद्ध वहां पर जो क्रांतियां हुई हैं, वहां पर वो प्रतिमान जो है वो ह्यूमन राइट्स और वो सारी बातें आप जानते हैं कि वहां पर किस तरह से विकसित हुई। तीसरी तरफ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, दृष्टिकोण से देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इंडस्ट्री और जो बिजनेस है, उद्योग और व्यापार, इसी को बढ़ावा देने के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स का जो प्रतिमान है और जो बाकी लिबर्टी फ्रेटर्निटी आदि के शब्दों को लाया गया है। तो ये तीन पर्सपेक्टिव हैं प्रतिमानों के, एक जो विशुद्ध रूप से भारतीय है, दूसरा ग्रीक और पश्चिम का दृष्टिकोण है, और तीसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है जिसको हम वेस्ट से लेकर के आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इनके बीच में आप ये कुछ एक शब्द देख रहे हैं जिनके बारे में डॉक्टर साहब हमें स्पष्टता देंगे, मार्गनिर्देशन देंगे और हमारे विचार का और दृष्टि का विकास करेंगे। प्रतिमान का जो एक पर्यायवाची मुझे लगता है भारतीय परंपरा में, वो आपको मानदंड दिखाई देगा, प्रतिमान और मानदंड। और वो इसलिए शायद कि उनमें गुणवत्ता और अर्थवत्ता दो
बातों को हम ध्यान देते हैं, इसलिए वो समाज में प्रतिमान बनते हैं। लेकिन इन प्रतिमानों के बराबर जो प्रतिमान कहाँ से बनते हैं, क्या वो मूल्यों से बनते हैं? अब मूल्य शब्द आपकी संस्कृति का उस अर्थ में प्रयोग नहीं होता जिस अर्थ में वैल्यू शब्द को आप प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी मूल्य शब्द को अगर आज हम स्वीकार कर लेते हैं हिंदी के प्रभाव की वजह से, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि उसमें मूल्य में शायद एक अर्थवत्ता या एक गुणवत्ता रहती है, तो इसलिए मूल्यों से हम प्रतिमान की ओर चलते हैं। दूसरी तरफ आपको एक आदर्श शब्द भी मिलता है प्रतिमानों के संदर्भ में, लेकिन आदर्श शब्द भी संस्कृत की परंपरा में उस रूप में नहीं है प्रयुक्त हुआ जिस रूप में आज हम आइडियलिज्म के अर्थ में लेते हैं। आदर्श वहां एक पारदर्शी शीशे के रूप में है, दर्पण के रूप में है, और इसका जो प्रयोग है आपको काश्मीर शैव दर्शन में बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है इस आदर्श शब्द को, लेकिन वहां पे प्रतिबिंब के अर्थ में है, ट्रांसपेरेंसी के अर्थ में वहां पे प्रयोग हुआ है। ये शब्द इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि डॉक्टर साहब जो हैं वो इन शब्दों का भी मूल्यांकन और विवेचन करेंगे हमारे समझने के लिए। तीसरी ओर अगर आप आ जाते हैं तो तीसरा जो आपको दिखाई देता है वो आपको शब्द मर्यादा दिखाई देता है, जो आप राम के संदर्भ में और बाकी लोगों के संदर्भ में देख पाते हैं। और चौथा जो आप नीचे देख पा रहे हैं प्रतिमान के नीचे, वो है सदाचार, जो आप मनु से लेकर के आते हैं, तो सदाचार जो है वो आपका एक प्रतिमान के रूप में स्थापित होता है। अब ये चार शब्द समझना, मानदंडों को समझना, वो आपका विशेष विषय रहेगा। लेकिन बात यहीं पे समाप्त नहीं होती, थोड़ी सी बात को और आगे विस्तृत करते हुए मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो प्रतिमान है वो एकमात्र प्रतिमान धर्म रहा है। अब राम की ओर अगर आप देखें तो राम जो है वो यज्ञ संस्कृति के माध्यम से धर्म की प्रतिष्ठा के लिए निरंतर अग्रसर है, और स्वयं वाल्मीकि भी कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः। तो धर्म एक प्रतिमान हमें राम की दृष्टि से, वाल्मीकि रामायण की दृष्टि से देखने को मिलता है। और नीचे एक्स एक्सिस पे अगर आप देखते हैं तो कृष्ण की योग संस्कृति के माध्यम से आपको वहां पे भी धर्म संस्थापनाएं, आपको जो है वो धर्म की प्रतिष्ठा ही देखने को मिलती है। तो दोनों संस्कृतियों से, योग संस्कृति और यज्ञ संस्कृति, इन दोनों के बीच में धर्म जो है वो मुझे लगता है कि वही भारतीय प्रतिमान होने की योग्यता रखता है। और धर्म को आप मनु की दृष्टि से, जिसकी बहुत निंदा की जाती है, और मैं कई बार सोचता हूँ कि ये जितने फंडामेंटल राइट्स और जितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनकी कभी आप तुलना मनु के इस धर्म के परिभाषा से करें, धर्म के तत्वों से करें, तो वो संविधान और आपका यूएनओ के जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो बहुत कम और बहुत नीचे रह जाते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए मैं उनको पढ़ नहीं रहा, लेकिन क्षमा दमो अस्तेम्स आप सभी जानते हैं, उसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन धर्म के ये 10 लक्षण है, और उसका जो आचार पक्ष है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, ये आप सभी जानते हैं, उस विषय में मुझे विशेष नहीं कहना। केवल एक पृष्ठभूमि के रूप में मैं आप लोगों से ये सारी बातें कर रहा हूं। एक भारतीय प्रतिमान को समझने का एक और पक्ष आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता हूं, जिसके ऊपर फिर डॉक्टर जो है अपना विवेचना हमारे साथ करेंगे। भारतीय प्रतिमानों के दो रूप हमें दिखाई देते हैं, एक तो राम परिवार के रूप में और दूसरा जो है वो शिव परिवार के रूप में। राम परिवार के रूप में आप देखें तो पुरुषार्थ की स्थापना आपको दिखाई देती है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि पूरे का पूरा परिवार विद्यमान है। भारतीय प्रतिमान, कोई भी प्रतिमान परिवार के बिना नहीं हो सकता, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, बाकी तो चर्चा का विषय है। दूसरी तरफ अगर आपको कोई मिलता है तो शिव परिवार के रूप में मिलता है, जहां पर दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, अभय और दूसरा है अबभुक्षा। थोड़ा अटपटा शब्द है अबभुक्षा, लेकिन यहाँ के लिए यही मुझे लगता है संगत शब्द होगा। अभयता क्या है कि एक ओर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिंह विद्यमान है और साथ में बैल भी है, एक तरफ मोर है एक तरफ सांप है, तो सारे जो विरोधी धर्म है, देवता और राक्षस भी वहां पर विद्यमान है, तो एक तरह से सभी विरोधी हिंसक आपस में
एकत्रित होने पर भी वहां अभयता का एक वातावरण है। और अब भुक्षा इसलिए कि हिमालय की चोटी पर जहां पे कुछ भी उपलब्ध नहीं है वहां पर आपको किसी भी प्रकार के भूख का बोध नहीं होता। तो इसका मतलब है कि वो एक संस्कृति है, शिव संस्कृति, जो भय, अभयता और अभुक्षा के बाद शुरू होती है, जहां पे प्रश्न है, ज्ञान है और सह अस्तित्व है। दूसरी तरफ आप एक और ये देखते हैं पश्चिमी प्रतिमान। इस पश्चिमी प्रतिमान में आप देख पाते हैं कि जीसस का परिवार है और वो दो चीजों से निर्धारित है, एक है अलौकिकत्व, वर्जिन मैरी जिसे हम कहते हैं, और दूसरी तरफ मनुष्य का जन्म पाप से होता है। तो ये प्रतिमान वहां पर आपको दिखाई देते हैं। अब ये बड़ी विचित्र बात है आपको दिखाई देगी कि यहां पर अलौकिकत्व और पाप एक प्रतिमान के रूप में है, जिसको काउंटर करने के लिए आपको इस तरह की सारी वैल्यूज, कंपैशन, कमांडमेंट्स और डिसिप्लिन आदि की बातें आप करते हैं। तो जोसेफ और जीसस मैरी और उनके साथ जो है मदर मैरी और उनके साथ जो है वो जीसस हमें दिखाई देते हैं। तो ये एक अपनी तरह का बेस्ट का प्रतिमान हो सकता है, चर्चा की बात बाद में है। इन सब बातों को, क्योंकि सेमिनार वेबिनार होते भी इसीलिए हैं कि हम कुछ जानते हैं और उससे अधिक जानने के लिए हम विशिष्ट वक्ताओं को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो हमें अग्रसर करें कि हम जितना सीमित दायरे में रहते हैं उसका वो सीमाओं को वो खोलें और हम ज्यादा से ज्यादा देख सकें, समझ सकें। इसके लिए हमने सादर आमंत्रित किया है श्री दिलीप पांडुरंग केलकर जी को, जो कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है मैकेनिकल से और उन्होंने डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट में भी किया है। 1994 तक वो वर्क्स मैनेजर रहे हैं हैमिल्टन इंडस्ट्रीज में। उसके बाद 1995 में उन्होंने सलाहकार और औद्योगिक सुरक्षा का कार्यभार अपने पे लिया, उस कार्य में दायित्व में व्यस्त रहे हैं। और ठाणे पश्चिम में वो जो है महाराष्ट्र का जो नगर है वहां पर वो उनका निवास है। 1995 से लेकर 2008 तक वो स्वदेशी जागरण मंच से बड़े सशक्त रूप से जुड़े रहे हैं और पश्चिम क्षेत्र के सह संयोजक रहे हैं, अखिल भारतीय कार्य समिति के सदस्य भी रहे हैं। फिर 2008 से 2017 तक पुनरुत्थान विद्यापीठ में आचार्य परिषद के सदस्य रहे हैं और दक्षिण और पूर्व भारत के वो प्रभारी भी रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने 2018 में विजयदशमी के दिन जो है भारतीय शिक्षण मंच का प्रारंभ किया है और भारतीय शिक्षण मंच के को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आगे के सारे कार्यों को अपने विस्तार दिया है, जिसकी मैं चर्चा अभी आपके साथ करूंगा। 2018 में ही जीवन का भारतीय प्रतिमान पुस्तक दो खंडों में उन्होंने प्रकाशित की है और जैसा कि मैं बता ही चुका हूं भारतीय शिक्षण मंच के वो अखिल भारतीय संयोजक हैं। उसके बाद 2020 में उन्होंने ग्राम विकास भारतीय दृष्टि एक पुस्तक फिर प्रकाशित की। 2022 में कुटुंब सुदृढ़ीकरण ये पुस्तक उन्होंने इसका भी प्रकाशन किया और अब तक जो है वो आचार्य निर्माण की दृष्टि से कई उन्होंने कार्यशालाएं, वर्कशॉप जो हैं वो आयोजित की हैं। इसके साथ मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक को आप जरूर ध्यान में दें और अगर संभव हो तो इसको जरूर अपने लाइब्रेरी में या अगर आप मंगवा सकते हो वैसे अपने अध्ययन के लिए तो जरूर जीवन का भारतीय प्रतिमान जो है दो खंडों में ये पुस्तक है, इसको जरूर आप जो है उसको आदेशित करें प्रकाशक से। इस ग्रंथ की विशेषता जो है वो आप देख सकते हैं और उसके बाद मैं मुख्य वक्ता को सादर आमंत्रित करूंगा कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करें। मैं पूरे का पूरा ये वक्तव्य तो नहीं पढ़ रहा लेकिन इसमें कई चीजें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण उठाई हैं कि हमारी पहचान भी इंडिया दैट इज भारत है। भारतीय के रूप में जन्म लिए बालक को भारतीय बनाने के लिए संस्कार और शिक्षा की आवश्यकता तो होती ही है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि 75 साल का जो भारत है 1947 के बाद उसमें अभी भी हम भारतीय नहीं बन पाए हैं, अभी भी हम इंडिया के साथ ही जुड़े हुए हैं। हमारा सारा भारतीय संविधान इंडियन संविधान है, वो भारतीय संविधान क्यों नहीं बन पाया इसके विषय में हम लोगों ने अभी पिछले हफ्ते चर्चा की थी और डॉक्टर गुप्ता जी ने उसके ऊपर विशेष प्रकाश डाला था।
तो कई सारे प्रश्न उन्होंने इसमें उठाए हैं। तो इन सारे विषयों को जानने और समझने के लिए इनके ऊपर किस तरह से हम विचार करें और हमारी सीमाओं को वो अग्रसर करें, उनका विस्तार करें, उसके लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री दिलीप पांडुरंग केलकर जी को, जिनका लगभग 40-45 मिनट का अभिभाषण रहेगा, 35-40 मिनट का, और उसके बाद खुली चर्चा रहेगी, खुला मंच रहेगा, आप सबके टिप्पणियां, प्रश्न, आक्षेप, असहमतियां और जो भी नए आपके विचार होंगे उनका हम स्वागत करेंगे और उसके बाद फिर हम धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस विषय को पूर्णता की ओर अग्रसर करेंगे। तो मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जो है वो अपनी बातचीत इस विषय पर आरंभ करें। श्री दिलीप जी, धन्यवाद आशुतोष जी और सुनने के लिए उपस्थित सभी श्रोतागण, जो मुझे सूची मिली है उसके अनुसार बड़े श्रेष्ठ ऐसे संस्थानों से जुड़े हुए हैं और उससे अनुमान लगा सकता हूँ मैं कि सब बड़े अध्ययनशील ही होंगे और इस दृष्टि से इस विद्वत जनों के सामने इस प्रकार का विषय रखने के लिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। अभी आशुतोष जी ने कुछ जीवन के प्रतिमानों के संदर्भ में हमारे सामने कुछ बातें रखी हैं, तो पहले तो मैं इस प्रतिमान इस शब्द को मैंने किस अर्थ में प्रयोग किया है उसे स्पष्ट करना चाहूंगा। प्रतिमान एक ढंग से कहा जाए तो पैराडिम, यह उसका बहुत करीबी शब्द है, लेकिन प्रतिमान का सटीक यदि अर्थ समझे हम, उसकी व्यापकता समझें, तो पूरे जीवन को व्यापने वाला, पूरे भारतीय जीवन को व्यापने वाला जो जीवन का तरीका है, जीने का तरीका है, जीने की व्यवस्थाएं हैं, जीने का व्यवहार है, जीने का विचार, जीवन दृष्टि है, यह सब मिलकर जीवन बनता है। यानी मोटे ढंग से कहे तो हम तो विचार, व्यवहार और व्यवस्थाएं, यह मिलकर जीवन बनता है, इसके बाहर जीवन का कुछ नहीं होता। इस दृष्टि से हम आज 21वीं सदी के संदर्भ में जीवन के भारतीय प्रतिमान की कुछ मीमांसा करेंगे। 21वीं सदी का जब विषय सामने आता है तो स्वाभाविक रूप से मुझे हमेशा तुरंत धर्मपाल जी का, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ में जो संवाद हुआ था वो स्मरण हो आता है। धर्मपाल जी ने ही अपनी पुस्तक भारतीय चित्त मानस और काल में उसके बारे में बताया है। धर्मपाल जी 18वीं सदी के भारत के अध्ययन के बारे में बहुत प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं। बहुत गहराई से उन्होंने अंग्रेज आने से पूर्व के भारत का अध्ययन किया है कि भारत क्या था, क्या हुआ करता था, और उनका कहना था कि भारत को भारत की दृष्टि से देखने की हमारी आदत नष्ट हो गई है। कारण भी वो बताते हैं कि अंग्रेजों ने भारत की सारी व्यवस्थाएं यह नष्ट कर अपनी अंग्रेजी व्यवस्थाओं को यहां पर स्थापित किया। जो सांस्कृतिक होंगी, सामाजिक होंगी, राजनीतिक होंगी, आर्थिक होंगी, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, शासन, प्रशासन, न्याय, उद्योग, अर्थ, वित्त, जल प्रबंधन, शिक्षण, ऐसी सभी व्यवस्थाओं को उन्होंने अपनी व्यवस्था के द्वारा बदल डाला। यह भी होने का मुख्य जो कारण था वह यह था कि पहले तो उन्होंने केवल शिक्षा व्यवस्था के को यहां पर स्थापित करने का प्रयास किया, उसके लिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया। उनकी पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री में इस भारतीय शिक्षण व्यवस्था कैसी थी और उसको किस प्रकार से नष्ट किया गया उसका विवरण हम
पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। और ये सब उन्होंने जो लिखा है यह ब्रिटिश आर्काइव्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर लिखा है, इसके लिए उनके लेखन पर संशय नहीं निर्माण किया जा सकता, प्रश्न नहीं खड़े किए जा सकते। उन्होंने तो जो अंग्रेजों ने सर्वेक्षण किए थे, अंग्रेजों ने जो जानकारी लिखी थी भारत की, उसी को लेकर ये पुस्तक लिखे हैं। तो भारतीय चित्तमानस और काल में वो कहते हैं कि हमने अंग्रेज जैसे चाहते थे ऐसा जीना सीख लिया है। और अभी जैसे आशुतोष जी ने कहा कि हम इंडिया बन गए हैं, इंडिया दैट इज भारत, ऐसी हमारी पहचान हो गई, भारत दैट इज इंडिया कर देते तो शायद कुछ थोड़ा सा फर्क हम महसूस कर पाते, लेकिन इंडिया दैट इज भारत, ये मूलतः इंडिया है, इसकी दूसरी पहचान भारत है। तो यह जो मानसिकता यहाँ की बन गई है, और किसी को उसमें कुछ आक्षेप लेने योग्य लगता नहीं है, इतना वह हम लोग सबने, विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है। धर्मपाल जी और आगे कहते हैं कि हमने अंग्रेजों ने जैसे जैसे विचार करने को हमें सिखाया वैसा विचार करना सीखा है। वो बताते हैं कि हमारे यहां शोध कार्य भी चलते हैं, तो भारत के बारे में चलते हैं, भारत के विषय में चलते हैं, भारत के लिए नहीं चलते। जैसे भगवद गीता के बारे में कई लोग भगवद गीता और आधुनिक व्यवस्थापन शास्त्र मैनेजमेंट, और वो सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि देखो भगवद गीता भी जो आधुनिक व्यवस्थापन शास्त्र के नियम है उन्हीं को दोहराती है। भगवद गीता को बंधक बनाया जाता है वर्तमान आधुनिक या मॉडर्न मैनेजमेंट साइंस साथ में। ऐसे ही हमें और भी देखते हैं, ज्ञानेश्वरी में विज्ञान, वास्तव में तो उनको साइंस कहना होता है, लेकिन साइंस और विज्ञान में अंतर न जानने के कारण वो ज्ञानेश्वरी में विज्ञान कह लेते हैं। अब ये साइंस और विज्ञान क्या है? तो जो वर्तमान साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने ज्ञान को पंच महाभूतों की सीमा में बांध डाला है। अभी कुछ लोग उसमें से थोड़े उभर कर बाहर आ रहे हैं कि जो मन का विचार करने लग गए हैं। और विज्ञान की परिभाषा तो हमारी भगवद गीता के सातवें अध्याय में दी गई है, भूमि रापो नलो वायु खम्बनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इस अष्टधा प्रकृति का अध्ययन विज्ञान है। इन पंच महाभूतों के ज्ञान से आगे जो एक विशाल क्षेत्र मन बुद्धि और अहंकार का जिसका अध्ययन नहीं किया जा रहा उसको मिलाकर बनता है विज्ञान। और अध्यात्म जो है यह तो उस विज्ञान से कहीं परे है, यह अष्टधा प्रकृति से भी और परे है, इसीलिए उसे परा प्रकृति या परा के नाम से जाना गया है। भारतीय चिंतन में हमारे दर्शन शास्त्रों में परा और अपरा ऐसी दो प्रकार की विद्याओं के बारे में चर्चा की गई है। तो धर्मपाल जी कहते हैं कि हमने अंग्रेजों के ढंग से भारत का अध्ययन करना अभी भी शुरू रखा है। एंथ्रोपोलॉजी नाम का एक समाजशास्त्र का एक शाखा है समाजशास्त्र की, जिसमें विजेता जो है यह विजित समाज का अध्ययन करता है। इस अध्ययन की प्रक्रिया को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। लेवी स्ट्रॉस करके इसके प्रमुख है, उन्हीं की यह परिभाषा है, उन्होंने बताया हुआ यह उसका विवेचन है। दुर्भाग्य से हम भी आज भारत का अध्ययन भारत के लिए नहीं कर रहे। भारत का अध्ययन, भारत नष्ट कैसे हुआ, भारत पराजित कैसे हुआ, पराभूत कैसे हुआ, भारत में समस्याएं कैसे निर्माण हुई, इसके अध्ययन के लिए हम पूरी शक्ति लगाते हैं। हमारा पूरा शोध क्षेत्र जो है आज का वह इस दिशा में काम कर रहा है। उसी में वो बताते हैं
कि वर्ण व्यवस्था का विचार अध्ययन आज भी नहीं हो रहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह अध्ययन जो है, यह वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से हानिकारक रही, इस दिशा में यह सब अध्ययन चल रहा है। वास्तव में मैं आपके सामने एक बहुत संक्षेप में इस वर्ण व्यवस्था के बारे में बात रखूंगा तो आप सब तो मेरे से सहमत होंगे कि इतनी श्रेष्ठ व्यवस्था है, लेकिन दुर्भाग्य से वर्ण व्यवस्था को सही परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। इसका विकृत स्वरूप ही हम सुनते आए, पढ़ते आए हैं, समझते आए। वर्ण स्वभाव को कहते हैं, भगवान कहते हैं भगवद्गीता में, चातुर्वर्ण माया सृष्टम, भगवान ने चार वर्ण निर्माण किए हैं, और आप किसी भी समाज में जाकर अध्ययन कर लीजिए, इस प्रकार के चार वर्णों के लोग आपको हर समाज में मिलेंगे ही। अब हर मनुष्य अपना स्वभाव लेकर जन्म लेता है, इस जन्म से उसका जो स्वभाव है उसे समझना, उन स्वभाव के गुण लक्षणों को शुद्धि और वृद्धि के लिए प्रयास करना, उसके लिए संस्कार, शिक्षण, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, और आगे जाकर समाज जीवन में वह जब सक्रिय बनता है तब उसके स्वभाव के अनुसार उसे प्रत्यक्ष समाज जीवन में योगदान देने का अवसर भी मिले। इस पूरे जो पहलू है, इन सबको मिलाकर वर्ण व्यवस्था बनती है। और आप कल्पना कीजिए, जब कोई मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूल काम करता है तो बहुत सहजता से काम करता है, बहुत कम कष्ट के साथ में कर पाता है, दीर्घ काल तक बगैर थकान के कर सकता है, और सबसे बड़ी बात तो यह होती है वो बड़े आनंद से करता है। कोई स्वभाव से गायक है, जिसके रक्त में गायन विद्या है, वह तो गायन विद्या में, गायन की साधना में इस प्रकार से रम जाता है, खाना पीना भूल जाता है, भूख प्यास भूल जाता है, सोना उठना भूल जाता है, बस उसी में मस्त रहता है, बड़ा आनंदमय रहता है उसका जीवन। कल्पना कीजिए कि समाज जीवन का हर व्यक्ति अपने स्वभाव से यदि काम कर सके, अपने स्वभाव के गुण लक्षणों की शुद्धि वृद्धि करके उसके अनुसार जीवन जीने का उसे अवसर मिल सके, तो क्या पूरा समाज आनंदमय नहीं होगा? लेकिन ऐसी व्यवस्था थी, उसी को गाली देने के लिए हम सब अध्ययन कर रहे हैं, चर्चाएं करते हैं। इस प्रकार से जो जो भारतीय है वह निंदनीय है, और जो जो अंग्रेजी में रंगा हुआ है वह श्रेष्ठ है। इसके लिए हमारे यहां कहा गया है कि जो अंग्रेजों ने कहा है वही अंतिम सत्य है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम जब कहते हैं कि हमारे उपनिषद में अमुक अमुक ऋषि ने ऐसा ऐसा कहा है, तो हमारे यहीं के लोग, पढ़े लिखे लोग पूछते हैं तो क्या होगा, कहा होगा। लेकिन विवेकानंद जी कहते हैं, जब हम कहते हैं कि यह हक्सले या टिंडल ने लिखा हुआ है, तो तुरंत हम चौकन्ने हो जाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कहा है भाई उन्होंने। इतनी हमारी मानसिकता इंडियनाइज हो गई है। इंडिया के कुछ स्वरूप के लक्षण मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और आप सहमत होंगे इस प्रकार से भारतीय जीवन तो था नहीं कभी। 21वीं सदी के बारे में फिर एक बार ये बताना चाहूंगा कि चंद्रशेखर जी से जब मिले थे तो चंद्रशेखर जी ने उनसे पूछा कि धर्मपाल जी, आप इस 18वीं सदी की क्या बातें करते फिर रहे हो, अब तो 21वीं सदी है, 21वीं सदी की बात करो। तब उन्होंने एक प्रतिप्रश्न पूछा था, ये 21वीं सदी है किसकी, क्या यह सदी भारत की है? इस सदी को हमने मॉडर्न ज्ञान की सदी कह डाला है, जमाना अब मॉडर्निटी का है,
आधुनिकता या मॉडर्निटी का अनुवाद नहीं है, कृपा करें। मॉडर्निटी शब्द तो उसका जो भावार्थ है वो अंग्रेजी में ही समझना ठीक होगा। जो कुछ नया निर्माण हो गया है उसे मॉडर्न कहा जाता है। आधुनिक तो वह होता है जो आज के काल में चला है लेकिन जो सनातन से सुसंगत है वह आधुनिक होता है। आधुनिक का अर्थ जो आज है उससे जरूर उसका तात्पर्य है लेकिन वह सनातन के विपरीत नहीं हो सकता, वह आधुनिक नहीं कहलाया जा सकता। लेकिन हमारे यहां तो 21वीं सदी का विचार हम अंग्रेजों के अभारतीय जो जीवन के प्रतिमान है उनके संदर्भ में ही करते नजर आ रहे हैं। हमारी विकास की अवधारणा क्या भारतीय विकास की अवधारणा है? हमारी भारतीय विकास की अवधारणा तो व्यक्तिगत विकास, समष्टिगत विकास, सृष्टिगत विकास और परमेष्टिगत विकास की है। यह मानव विकास की हमारी अवधारणा है। जबकि जिस विकास की अवधारणा के पीछे हम दौड़े जा रहे हैं पूरे विश्व के साथ और हम प्रयास कर रहे हैं कि विश्व के आगे निकल जाएं, उस विकास की अवधारणा क्या है? तो मैं आज जितना उपभोग कर पा रहा हूं उससे कल मेरा उपभोग का जो उपभोग की मात्रा है वो अधिक हो जाए। इस प्रकार से उपभोक्तावाद की होड़ में पूरी पृथ्वी के सारे समाज दौड़े जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से विनाश अवश्यंभावी दिखाई देता है, समझते भी हम में से कई लोग। लेकिन इस अभारतीय इंडियन जीवन की इतनी आदत हमें पड़ गई है कि हम यह भी नहीं समझ पाते कि हम किसी गलत जीवन के प्रतिमान जी रहे हैं। विचार के स्तर पर हम यदि विचार करें तो वर्तमान जीवन जो है यह स्वार्थ आधारित है। आप किसी से भी कुछ कहने को जाएंगे कि अरे अरे ऐसा कुछ करने का प्रयास करेंगे कैसा लगता है, तो पूछेगा कि लेकिन इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं क्यों उसमें मेरा समय व्यर्थ करूं। तो स्वार्थ यह इस वर्तमान जीवन का वैचारिक आधार हो गया है, व्यवहार भी हो गया। स्वार्थ पर आधारित परस्पर संबंध पूरे समाज जीवन में यह व्याप्त हो गया है। भारतीय जीवन में विवाह एक संस्कार हुआ करता था, दो भिन्न जीव इकट्ठे आते थे और एक बनकर जीने का यह संस्कार हुआ करता था। इसके साथ पर यह कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट तो अपने अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठे आए दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमारा हर सामाजिक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट होता है, संबंध कॉन्ट्रैक्ट होता है, संस्कार नहीं होता है, परस्पर प्रेम पर आधारित नहीं होता है, स्वार्थ पर आधारित होता है। अभी आशुतोष जी ने जीवन के भारतीय प्रतिमानों के कुछ अलग अलग उदाहरण देने का प्रयास किया। मेरा कहना है यह अलग अलग प्रतिमान है ही नहीं। राम के त्रेतायुग का जो प्रतिमान है और भगवान कृष्ण के समय का जो प्रतिमान है दोनों एक ही हैं, दोनों का आधार धर्म ही है, चराचर में व्याप्त एकात्मता ही है, कण कण में भगवान यही है, सर्वे भवन्तु सुखिना यही उसका वैचारिक आधार रहा है। धर्म की बहुत गलत समझ आज पूरे समाज जीवन में और शिक्षा जगत में भी फैली हुई हम देख पाते हैं। धर्म को हमने मजहब और रिलीजन के साथ में जोड़ दिया है, समीकरण बना दिया है। वास्तव में धर्म क्या होता है? धर्म यह संस्कृत शब्द है, संस्कृत के ध्रुव धातु से यह बना हुआ है और ध्रुव का अर्थ होता है धारणा करना। धारणा करना यानी बने रहना और बने के रहने के लिए कुछ बातें आवश्यक होती हैं। बलवान बने रहना, कौशल्यवान ऊर्जावान बने रहना, तितिक्षावान बने रहना, दीर्घ काल तक बने रहना, ये सब बातें जिसके कारण होती है किसी भी पदार्थ के लिए, उन बातों को उस पदार्थ का धर्म कहते हैं।
धर्म का प्रारंभ तो जैसे ही सृष्टि निर्माण हुई तब से शुरू हो गया। सृष्टि संचालन, सृष्टि निर्माण और सृष्टि के लय के जो नियम है वही धर्म है। अभी मैंने अष्टधा प्रकृति, यह हमारी विज्ञान की परिभाषा है, इस अष्टधा प्रकृति के जितने भी नियम है यह नियम धर्म है, क्योंकि इन नियमों के अनुसार कोई भी पदार्थ जब व्यवहार करता है, जो जड़ पदार्थ है उनके लिए तो कोई सुविधा नहीं है, वो तो अपने धर्म के, अपने जो गुण धर्म है उसके अनुसार ही व्यवहार करने वाले होते हैं। पशुओं में भी इसमें परिवर्तन करने की, धर्म को बिगाड़ने की कोई क्षमता नहीं होती है, बुद्धि नहीं होती है, इसके लिए वो भी उनका जो धर्म है उसके हिसाब से काम करते रहते हैं। ये तो मानव है जो कर्मयोनि कहा जाता है, कर्म करने के लिए स्वतंत्र माना गया है, और प्रत्यक्ष में हम देखते हैं कि मानव किसी बात को अच्छा भी बनाने की क्षमता रखता है और किसी बात को बिगाड़ने की भी क्षमता रखता है। इसी दृष्टि से हमारे यहां धर्म की शिक्षा यही शिक्षा मानी गई है। एक अभी आशुतोष जी ने कहा कि एक चार पुरुषार्थों का एक प्रतिमान हमारे यहां रहा है, अरे भैया चार पुरुषार्थों का प्रतिमान जो है धर्म का ही प्रतिमान है। धर्म के अनुकूल अर्थ और काम को रखने के बाद वैशेषिक दर्शन कहता है यह तो अभ्युदय निश्चयस सिद्धि स धर्म, अभ्युदय भी प्राप्त होता है। जिसे मोक्ष की आकांक्षा इच्छा नहीं है उसके लिए भी भौतिक उन्नति के लिए धर्म के अनुकूल अर्थ और काम को रहना तो अनिवार्य है ही। इनके साथ में जब कोई जीता है तो अपना जो जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, उसकी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है। मैंने विकास की अवधारणा भारतीय बताई, पंडित दीनदयाल जी ने अपने एकात्म मानव दर्शन में उसका कुछ विवेचन किया है। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत में आते हैं शरीर मन बुद्धि आत्मा, इन चारों बातों का विकास यह व्यक्तिगत विकास कहलाता है। समष्टिगत विकास का अर्थ है समष्टि यानी समाज के साथ में एकात्मता की अनुभूति, कुटुंब भावना का अनुभव करना, व्यवहार करना, यह समष्टिगत विकास। सारे समाज जीवन के साथ में, सारी मानव जाति के साथ में एकात्मता के, कुटुंब भावना से जुड़ जाना, यह भारतीय प्रतिमान है, क्योंकि यही धर्म है। और आगे बढ़ते हैं तो इस सृष्टि के बिना समाज जी नहीं सकता, समाज के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, इन सब में अंगांगी संबंध है, अंगांगी संबंध धर्म है, इसे हमें समझना होगा। समष्टिगत पर कोई समस्या निर्माण होती है तो व्यक्तिगत जो है उसने बलिदान करना, उसने त्याग करना अपेक्षित होता है, आवश्यक होता है, यह अंगांगी संबंध का धर्म होता है। राष्ट्र के लिए जब समस्या खड़ी होती है कोई, तो व्यक्ति उसके लिए न्यौछावर कर दे अपनी जान, यही धर्म है, यही राष्ट्र धर्म है, यही सैनिक धर्म है, इसे हमें समझना होगा। तो यह प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में दो ही प्रकार के जीवन के प्रतिमान रहे हैं और रहेंगे। एक प्रतिमान जो है जिसे हम भारतीय प्रतिमान कहते हैं, यह धर्माधिष्ठित प्रतिमान है, धर्म के आधार पर जीवन कैसे जिया जाता है, इसका वैचारिक प्रस्तुतिकरण, चराचर में व्याप्त एकात्मता की अनुभूति लोग कर सके इसका उपदेश, वैचारिक उसकी पृष्ठभूमि है। इसके आधार पर मेरे व्यवहार सूत्र बनते हैं, व्यवहार सूत्र बनते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः बन जाता है, आत्मा सर्वभूतेषु बन जाता है। अभी आशुतोष जी ने सुनाया आत्मनो प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत या आत्मोत सर्वभूतेषु, यह भी व्यवहार सूत्र है। इस प्रकार से व्यवहार का आधार तो वही जीवन दृष्टि है जो कहती है चराचर में वही एक आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, परमात्मा का ही यह सृजन है, और परमात्मा ने अपने में से किया हुआ यह सृजन है, यह सब परमात्म रूप है। और इसके लिए समाज के साथ में एकात्मता की भावना ये विकास का एक श्रेष्ठ ऐसा लक्षण माना गया है, एक आयाम माना गया है। सृष्टि के चराचर के साथ में जीव हो अजीव हो जड़ हो चेतन हो उसके साथ में आत्मीयता की भावना, कुटुंब भावना का विकास,
यह मानव के विकास की अवधारणा में और एक ऊंचा ऐसा आयाम माना गया है और सबसे अंत में है कि जब आप सृष्टि के हर अस्तित्व के साथ में आत्मीयता के भाव से जुड़ जाते हैं, व्यवहार से जुड़ जाते हैं, तो आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। यह हमारी मोक्ष की अवधारणा है। पूरी सृष्टि के साथ में एकात्मता का अनुभव करना, वैसा व्यवहार करना। तुकाराम महाराज कहते हैं, उरलो उपकारा पूर्ता, अब बचा ही नहीं मेरे जीवन में कुछ, बस मेरा जीवन जो है ये सब औरों के उपकार के लिए है। यही मोक्ष की अवस्था है। तो इस प्रकार से ये भारतीय जीवन का जो प्रतिमान है यह धर्माधिष्ठित है, इसे समझना होगा। और बाकी जो भी प्रतिमान है उसके जो अलग अलग छटाएं हैं यह सभी अधर्म पर आधारित, धर्म विरोध पर आधारित ऐसे जीवन के प्रतिमान है। भारतीय समाज जीवन में जब व्यक्ति के धर्म की बात होती है तो यह भी कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है, उसके लिए जितना स्वार्थ आवश्यक है उसके लिए पोषण के लिए जो करना है वो करना ही है, उसने उतने स्वार्थ की अनुमति दी गई है। वह धर्म है, शरीर धर्म है, उसका जो मन है उसका मन का धर्म होता है। षड विकारों से मुक्ति यह उस मन के धर्म का लक्षण है। बुद्धि है यह निर्मल होनी चाहिए, अनेकात्मिका ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी चाहिए, यह बुद्धि के विकास का लक्षण है। इस प्रकार से हमारे यहां धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक ढंग से की गई है। राम रावण का जो युद्ध हुआ है यह धर्म के लिए हुआ है। अधर्माचरण करने वाले रावण का संहार करने के लिए राम अयोध्या से निकले हैं, लंका की ओर बढ़े हैं। राम जी की प्रतिज्ञा है, निश्चर ही न करो मही, पूरी पृथ्वी पर जहां भी अधर्म बढ़ेगा, अन्याय अत्याचार बढ़ेगा, वहां जाकर हम इसका निर्दालन करेंगे। राम के लिए वनवास तो अयोध्या के पास में भी, उत्तर भारत में भी कहीं संभव था। क्यों बढ़े राम दक्षिण की ओर? उनका लक्ष्य था निश्चर ही न करो मही। यही भारत की परंपरा रही है, और परंपरा यह भी रही है कि वहां जाकर हमने जब ऐसे दुष्ट शक्तियों को, अधर्मी शक्तियों को नाश किया, हमारे सम्राट व्यवस्था का यह एक महत्वपूर्ण पहलू हुआ करता था। सम्राट व्यवस्था थी ही इसके लिए, लेकिन इस सम्राट व्यवस्था के बारे में हमारी कहीं बात नहीं होती। हमारी जो आजकल इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से जितनी भी अलग अलग प्रकार की अलग वेबिनार चलते हैं, कुछ पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कहीं भी भारतीय सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में कहीं बात नहीं हो रही है, जीवन के बारे में बात नहीं हो रही है। केवल हम विचार के स्तर पर अपने को रोके हुए हैं। भारत के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, लोग जाने इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जीवन कैसे जिया जाता है, कुटुंब जीवन कैसे चलता है, किस प्रकार से कुटुंब जीवन समाज जीवन में ओतप्रोत होना चाहिए, किस प्रकार से ओतप्रोत हुआ करता था। अब देखिए, हमारे यहां तो गर्भधारणा से संस्कार शुरू हो जाते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था तो गर्भधारणा से शुरू हो जाती है, श्रेष्ठ मानव का निर्माण तो गर्भधारणा से पहले से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इसका हमारी वर्तमान शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। यह इंडियन शिक्षण बन गया है, इंडियन एजुकेशन बन गया है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बहुत चर्चा चल रही है, और हम सब शिक्षा क्षेत्र के लोग हैं तो हम जानते हैं किस प्रकार की चर्चा चल रही है, लेकिन इसमें कहीं भी नेशन और राष्ट्र के बारे में कोई विमर्श नहीं है। नेशन यह सत्ताधिष्ठित होता है, बलवान अधिष्ठित होता है। आज जो भारत में हिंदू राष्ट्र तो है, भारतीय राष्ट्र तो है, लेकिन वह सुप्त अवस्था में है। प्रत्यक्ष में तो इंडिया राष्ट्र है, इंडियन नेशन है, और इसके लिए पूरा हमारा समाज जीवन आज शासनाधिष्ठित बन गया है। शासन तय करता है शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा, शासन तय करता है न्याय क्षेत्र में क्या होगा, शासन तय करता है आर्थिक क्षेत्र में क्या होगा। पूरे समाज जीवन की व्यवस्थाओं का नियंत्रण
नियमन निर्देशन शासन करता है। यह शासनाधिष्ठित यह जो व्यवस्था है यह अधर्म की व्यवस्था है। यह शासन तो शासन के बारे में तो अंग्रेज भी बहुत स्पष्ट थे, उन्होंने लिख रखा है पावर करप्ट्स एंड अब्सोल्यूट पावर करप्ट्स अब्सोल्यूटली। सत्ता यह भ्रष्ट होती ही है और जब हमारी यार सत्ता होती है उसके बिगड़ने की कोई सीमा नहीं रहती। तो शासनाधिष्ठितता तो अधर्म का ही लक्षण है, लेकिन हमारे देश में भारत में यही व्यवस्था है, अंग्रेजों ने इसे यहां पर स्थापित किया। हमारे यहां नहीं तो शासकों का शासक धर्म माना जाता था, किसी शासक का राज्याभिषेक होता था तो वो कहता था राज्याभिषेक के समय अदंडोस्मि, मुझे कोई दंडित नहीं कर सकता, मैं सबसे ऊपर हूं, सबसे बलवान हूं, मैं शासक हूं। तब उसका जो धर्मगुरु होता था उसको याद दिलाता था धर्म दंडोसि, धर्म तुमसे बड़ा है, धर्म तुम्हें शासन कर सकता है, तुम्हें धर्म के अनुरूप धर्म के नियंत्रण में काम करना है, तुम्हें राज धर्म का पालन करना है, इसकी याद दिलाता था। हमारे यहां तो शासक भी धर्म के अनुकूल काम करते थे। इसलिए ये जो प्रतिमानों का विचार यदि हमें करना है तो एक है अधार्मिक धर्म विरोधी, इस प्रकार के जीवन का प्रतिमान जिसमें हम जी रहे हैं, इसके कुछ लक्षण मैं बताता हूं और भारतीय जीवन के लक्षण ये भी बताऊंगा। एक तो मैंने बताया कि स्वार्थ पर आधारित जीवन हो गया हमारा, ऐसा नहीं था भारत। भारत में कुटुंब भावना ओतप्रोत हुआ करती थी, सुबह उठते ही पहले बच्चों को हम संस्कार करते थे, बेटा धरती पर पैर रखने से पहले नमस्कार करो, क्षमा मांगो, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शं क्षमस्वमे, हे पृथ्वी माता, इसे माता कहा है, धरती माता कहा है, इसको प्रणाम करके इसके ऊपर पैर रखा जाता था। तुलसी हमारे माता होती थी, गंगा माता होती थी, गौ माता होती है, सब माता कैसे हो गई। कुटुंब भावना से पूरे सृष्टि के सभी अस्तित्वों को जोड़ने का हमारा जो संस्कार हुआ करता था उसका यह लक्षण है। और जब यह हमने कहा कि सारी सृष्टि परमात्मा के अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं तो स्वाभाविक रूप से इनमें आत्मीयता का नाता तो बनता ही है, क्योंकि सब में एक ही आत्म तत्व है। इस आत्मीयता के नाते को ही हम कुटुंब भाव के रूप में जानते हैं। हमारे यहां बच्चों को सिखाया जाता था वो दूर आकाश में चंद्रमा है, वो चंदा मामा है बेटा, वो चूहा है, वो चूहे मामा होता था, बिल्ली होती थी तो बिल्ली मौसी बनती थी, कैसे बन जाती थी। सब्जी लेने आज भी हम जाते हैं तो सहजता से कहते हैं क्यों दीदी या क्यों चाची, सब्जी कैसे दी, चाची कैसे बन गई। संबोधन के लिए आज भी कोई भाषण के लिए खड़ा होता है तो कहता तो ये ना कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे कोई तालियां नहीं बजाता है। लेकिन जब ऐसा ही संबोधन शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभाकार गूंज उठा था। क्यों गूंज उठा था, उनके लिए बड़ी विशेष बात की थी कि 5,000-10,000 किलोमीटर दूर से आया हुआ यह सन्यासी सर्वसंग परित्याग करने वाला यह यहां आकर हमारे साथ में एक बंधुत्व का नाता जोड़ता है, उनके लिए विशेष बात थी, हमारे लिए तो यह स्वाभाविक हुआ करती थी। हालांकि आज हम उसके पीछे का भाव भूल गए। अभी आशीषतोष जी ने शंकर जी के कुटुंब का एक प्रतिमान बताने की दृष्टि से प्रयास किया। यह शंकर जी का प्रतिमान जो है, ये जो कुटुंब है, हमारे लिए एक आदर्श कुटुंब माना गया है। इसमें चार तो मानव है, शंकर भगवान है, पार्वती देवी है, कार्तिकेय और भगवान गणेश है, ये तो चारों तो मानव के स्वरूप में है। यह तो कुटुंब के रूप में अच्छी तरह जिएंगे, इसमें हमारे मन में कोई शंका नहीं आती है, क्योंकि हम भी जीते हैं कुटुंब में, कुटुंब के सिवा तो हमारा कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। लेकिन इस शंकर भगवान के कुटुंब में आशुतोष जी ने जैसे बताया परस्पर शत्रु भाव रखने वाले पशु पक्षी प्राणी है। शंकर जी के गले में नाग है, यह कार्तिकेय जी का जो वाहन है मोर उसका खाद्य है, उनमें शत्रु भाव है। जो नाग है
उसका शत्रुभाव है गणेश जी का जो वाहन चूहा है उसके साथ में, और पार्वती जी का जो वाहन है सिंह, उसका शत्रु तो है उस नंदी से जो शंकर भगवान का वाहन है। इस प्रकार से पशु पक्षी प्राणियों तक कुटुंब भावना को फैलाना, यह इस शंकर भगवान के कुटुंब का आदर्श है। लेकिन यहां तक ये रुकता नहीं, इससे आगे बढ़ता है। हम भगवान शंकर को बालचंद्र कहते हैं, ये चंद्रमा है, ये जड़ प्रकृति का प्रतिनिधि है। इनके मस्तक में से निकलने वाली, जटा में से निकलने वाली माता गंगा, यह भी जड़ प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाली ऐसी एक बात है। ये दोनों ही जड़ प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरी सृष्टि के जड़ चेतन जीव अजीव पशु पक्षी प्राणी मानव ये सब एक कुटुंब है, इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का संस्कार, यह है भारतीयता, यही है भारतीय धर्म। यह जीवन में ओत प्रोत कैसे था, यह मैंने व्यवहार में तो बताया। हमारे यहां जो शिक्षा व्यवस्था होती थी उसका आधार यही कुटुंब भावना हुआ करती थी। गुरु जब अपने शिष्य को अपने पुत्र के रूप में ग्रहण करता था, माता की भूमिका में पुत्र को सभी अनिष्टों को, जिस प्रकार से गर्भवती माँ अपने गर्भ को सभी प्रकार के अनिष्टों से बचाने का प्रयास करती है, ऐसी भूमिका से गुरु उस शिष्य को ग्रहण करता था, और गुरु पिता की भूमिका से उस बच्चे को उसकी जितनी संभाव्य उन्नत अवस्था हो सकती है वहां तक उन्नति के लिए उसे शिक्षित प्रशिक्षित करता था। यह तभी संभव हो पाता था जब गुरु उसे अपने मानस पुत्र के रूप में ग्रहण करता था। पिता पुत्र का सा संबंध हमारी शिक्षण व्यवस्था का व्यवच्छेदक लक्षण था। हमारी शासन व्यवस्था थी उसमें राजा और प्रजा ऐसे शब्द आते हैं, प्रजा का तो अर्थ ही संतान होता है, तो राजा और प्रजा में संबंध जो होंगे पिता पुत्र के से होंगे। इस प्रकार से पूरा भारतीय समाज जीवन यह ओत प्रोत हुआ करता था। हमारे यहां अंग्रेज भारत में आए उस समय तक जितने भी 6.5-7 लाख गांव भारत में उस समय थे, आज तो कितने भी नष्ट हो गए हैं, यह सब गांव जो है यह ग्राम कुल के रूप में जीते थे। जिस प्रकार से कुटुंब में कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है, अंग्रेज लिखते हैं, धर्मपाल जी बताते हैं, इन 6.5-7 लाख गांव में कोई पैसे का लेन देन नहीं होता था, कुटुंब भावना से चलते थे, देने के लिए उत्पादन होता था। जिस प्रकार से माता बच्चों को खिलाने के लिए खाना बनाती है, बेचने के लिए नहीं बनाती, दुकानें नहीं थी हमारे गांव में, फिर भी जीवन तो बहुत अच्छी तरह से चलता था, बहुत समृद्ध जीवन था। जिसे लूटने के लिए अंग्रेज आए थे यहां, जिसे लूटने के लिए शक आए, यवन आए, हूण आए, कुषाण आए, मुसलमान आए, ईसाई आए, ये सब इस प्रकार के भारतीय जीवन की, इस प्रकार के कुटुंब भावना से ओत प्रोत ऐसे ग्राम कुल की व्यवस्थाओं में जो कौटुंबिक उद्योग पर आधारित थी, ऐसी व्यवस्था से निर्माण हुई जो समृद्धि थे उसे लूटने के लिए आए थे आक्रांता। हमारे यहाँ का अध्यात्म लूटने कोई नहीं आया। तो यह पूरा जो जीवन है इसका आधार जो है यह है हमारी सृष्टि निर्माण की मान्यता। उपनिषद कहते हैं परमात्मा के मन में आया, एक ओ हम उस्यमा, अकेला हूं, अनेक हो जाऊं अपनी शक्ति और इच्छा के आधार पर, वो अनेक अस्तित्वों के रूप में प्रकट हो गया, और इसके कारण सब में एकात्मता है, इसके कारण सब में आत्मीयता का भाव है, इसके कारण सब में कुटुंब भावना होना अनिवार्य है, होना चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य यही होना चाहिए, और इसीलिए ऐसे जब 6-7 लाख गांव कुटुंब भावना से जीते थे तब जाकर हमने घोषणा की थी वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे ही किसी विद्वान के दिमाग में आ गया, रात को सपने में आ गया कि कितनी बड़ी अच्छी कल्पना है, सुबह होकर उसने घोषणा कर दी, ऐसा यह नहीं हुआ है। यह तो प्रत्यक्ष पूरा राष्ट्र इस कुटुंब भावना के आधार पर जीता था, पूरे विश्व को इस कुटुंब भावना को ओतप्रोत करने की महत्वाकांक्षा लेकर, ऐसा श्रेष्ठ सामरिक सामर्थ्य निर्माण कर
तब जाकर हमने घोषणा की थी वसुधैव कुटुंबकम की। इसे समझना होगा, भारतीय प्रतिमान यह व्हाइट मैन्स बर्डन जैसा नहीं है। इसमें कृणवंतो विश्वमार्यम तो निश्चित कहा है, क्योंकि हमारा अनुभव यह कहता है, इतिहास हमारा यह कहता है, यदि आपने पूरे विश्व को आर्य नहीं बनाया तो पूरे विश्व में निर्माण होने वाली जो दुष्ट शक्तियां हैं वह आपको भी आर्य बनने नहीं बना रहने नहीं दे सकती, नहीं देंगी, आक्रमण होते रहे इसी के कारण। क्योंकि जिस समय हमारे सम्राटों की चतुरंगिणी सेनाएं भारतवर्ष की सीमाओं से बाहर विश्व भर में जाना बंद हो गया, भारत पर आक्रमण शुरू हुए, भारतीय सीमाओं का आकुंचन शुरू हुआ। किसी भी राष्ट्र की चिरंतनता, चिरंजीविता या उस राष्ट्र की वर्धिष्णुता से संबंधित होती है। भारतीय जीवन के प्रतिमान की यह विशेषता है, इसने भारतीय जीवन को हमेशा तरोताजा रखा है। ये युवकों का देश रहा है, यह ऊर्जा वालों का देश रहा है, ये कर्तृत्ववान ऐसे समाज का देश रहा है। और इसके लिए यहां पर बूढ़े भी बहुत सक्रिय हुआ करते थे, ऐसा ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीते थे जिससे बुढ़ापे में भी बहुत सत्कर्म करने के लिए क्षमतावान होते थे, सामर्थ्यवान होते थे। हमारे यहाँ तो जो चार आश्रमों की अवधारणा रखी गई है सामने समाज जीवन में, यह भी इस प्रकार से मानव जीवन की अनिश्चितताओं को नष्ट करने वाला, ये मानव का जो सामर्थ्य होता है जब जन्म लेता है बच्चा, वो इतना दुर्बल होता है वो दूसरों की मदद के सिवा जी नहीं सकता। यौवनावस्था में उसका जो सामर्थ्य हो वह चरम अवस्था पर होता है, और वृद्धावस्था में फिर उसकी क्षमताएं घटने लग जाती हैं। इन सब घटने और बढ़ने वाली क्षमताओं के समायोजन का नाम आश्रम व्यवस्था है। इतनी बुद्धियुक्त, इतनी सर्वहितकारी, ऐसी हमारी यह व्यवस्थाएं रही है, लेकिन आज हम इन्हें तोड़े जा रहे हैं। आज कुटुंब टूट रहे हैं, बड़ी तेजी से हम स्वेच्छा सहनिवास यानी लिव इन रिलेशनशिप की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे न्याय व्यवस्था, न्यायविद जो हैं, इसको मान्यता दे रहे हैं, समाज इसको मान्यता दे रहा है, कानून इसको मान्यता दे रहा है। समाज जीवन को नष्ट करने का यह रामबाण उपाय है, रामबाण तो कहना गलत बात है, लेकिन इसका बिल्कुल निश्चित ऐसा उपाय यदि कुछ है समाज जीवन को नष्ट करने का, तो यही जीवन का तरीका है, स्वेच्छा सहनिवास। इसे हमें समझना होगा। भारतीय जीवन तो संयुक्त कुटुंबों का जीवन रहा है, पर कल्पना के नीचे लोग रहते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के स्वभाव के लोग रहेंगे ही, होते ही हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के स्वभाव के जो सज्जन भी हैं, दुष्ट भी हैं, दुर्बल भी हैं, बलवान भी हैं, ऐसे सब लोगों के साथ में सुख शांति से जीवन कैसे जिया जाता है, इसकी शिक्षा यदि कुटुंब में नहीं मिलेगी तो समाज जीवन में ऐसी शिक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं है, हो नहीं सकता। तो कुटुंब जीवन यह हमारे यहां वर्णाश्रम धर्म का एक अनिवार्य ऐसा लक्षण माना गया है, ऐसा एक साधन, ऐसा एक माध्यम माना गया है। इसे हमें समझना होगा। भारतीय जीवन के प्रतिमान में जो व्यवस्थाएं थी, प्रमुखता से तीन प्रकार की व्यवस्थाएं थी, शिक्षण, रक्षण और पोषण। इन सब व्यवस्थाओं का आधार तो वही था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम्, यही आधार रहा। इसके लिए शिक्षण व्यवस्था के बारे में मैंने बताया कि गुरु शिष्य के संबंध, पिता पुत्र के से संबंध रहे हैं। ये तीनों ही व्यवस्थाएं, शिक्षण, रक्षण और पोषण, इन तीनों व्यवस्थाओं का दायित्व, शिक्षण व्यवस्था का दायित्व जो ब्राह्मण वर्ण के लोग हुआ करते थे उनके पास था, रक्षण व्यवस्था का जो दायित्व था ये क्षत्रिय वर्ण के लोगों के पास था, और पोषण का व्यवस्था का दायित्व था वैश्य वर्ण के लोगों के पास था, और उसके अनुसार उनको सम्मान भी मिलता था। जहां पोषण का काम आता था वह ब्राह्मण का सम्मान नहीं होता था, हाँ किसान का ही सम्मान होगा, उत्पादक का ही सम्मान होगा। या रक्षण का विषय आता था तो वहां धर्माचार्य का अंतिम शब्द नहीं होता था,
रक्षण करता जो है, शासन करता जो है, उसका शब्द, उसका सम्मान होता था। जो पात्र है उसका सम्मान करना भारतीयता का एक व्यवच्छेदक लक्षण है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और पात्रता के अनुसार शिक्षा होना, पात्रता के अनुसार सम्मान होना, ये तो बहुत स्वाभाविक और बहुत प्राकृतिक और सर्वहितकारी ऐसी बात है। हमारे व्यवस्थाओं के लिए भी इस प्रकार से जिसकी जो पात्रता है इसके अनुसार उसे दायित्व दिया गया था। ये तीनों ही व्यवस्थाएं और इन व्यवस्थाओं के लिए श्रेष्ठ मानव निर्माण करने की, इन तीनों व्यवस्थाओं के शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्राथमिक व्यवस्था करने वाली हमारी जो कुटुंब व्यवस्था थी, आप देखिए कुटुंब में तीनों व्यवस्थाएं होती हैं, शिक्षण, रक्षण, पोषण। जब बड़ा कुटुंब होता है तो इन तीन व्यवस्थाओं का बहुत अच्छा शिक्षण प्रशिक्षण संस्कार उसे प्राप्त हो जाती। ये तीनों ही व्यवस्थाएं और हमारा जो वर्णाश्रम धर्म है, यह समाज में फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल हुआ करता था। समाज जीवन का एक व्यक्ति भी इसे वंचित न रह जाए, उसकी पात्रता के अनुसार उसको शिक्षा प्राप्त हो, उसके उसको विद्या प्राप्त हो, उसकी पात्रता के अनुसार उसकी रक्षण व्यवस्था हो, और उसकी पात्रता के अनुसार उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था हो। यह हमारे शिक्षण, रक्षण, पोषण व्यवस्थाओं का विशेष लक्षण था। इनमें यह सबके हितकारी तो होती थी, हर व्यक्ति के हित के लिए होती थी। कुटुंब जीवन का तो हर व्यक्ति हिस्सा होता है, तो कुटुंब जीवन की तीनों व्यवस्थाओं का लाभकारी तो होगा ही। लाभकारी होने के साथ में यह सब कुटुंब के जिस प्रकार से सब लोग मिलकर पोषण व्यवस्था बनती है, वैसे ही यह तीनों व्यवस्थाएं समाज जीवन की, यह समाज जीवन के हर व्यक्ति के सहयोग से बनती है, सहभाग से बनती है। हर व्यक्ति का इसमें दायित्व होता है। सड़क पर चल रहा है कोई व्यक्ति तो किसी भी प्रकार से गालियां देता हुआ चलता चलता जाए, शराब के इसमें अंधाधुंध चलता जाए, मान्य नहीं है भारतीय जीवन में। क्योंकि कहा गया है, अरे भाई तुम सड़क से जा रहे तो क्या हो गया, जो घरों में से जो छोटे बच्चे हैं वो तो देख रहे हैं तुम्हें, तुमसे वो कुछ तो सीखेंगे। तो सड़क पर चलना है तो आपने शराब पीकर नहीं चलना है। इस प्रकार से सामान्य मनुष्य के लिए भी इन तीनों व्यवस्थाओं में कुछ ना कुछ दायित्व होता था। बाय द पीपल हुआ करती थी ये व्यवस्थाएं, फॉर द पीपल सबके हितकारी तो होती ही थी, सब निःशुल्क हुआ करती थी। पैसे का लेन देन तो केवल शहरों में कुछ मात्रा में और व्यापार, विदेश व्यापार की इसमें होता था, अन्यथा तो न तो कुटुंब में होता था और न ही सब ग्राम कुल में। तो इस प्रकार से ये जो जीवन का भारतीय प्रतिमान है, इसे हमें समझना आवश्यक है। और यह जो प्रतिमान है यह सनातन है। राम जी के काल में भी यही प्रतिमान था हमारे जीवन का, समाज जीवन का। वही कुटुंब व्यवस्था थी, वही शिक्षण व्यवस्था थी, वही रक्षण व्यवस्था थी, वही पोषण व्यवस्था थी, यही महाभारत काल में रही। धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए युद्ध लड़े गए, धर्म की प्रतिष्ठापना हुई, और इस प्रकार से फिर से भारतीय जीवन के प्रतिमान की प्रतिष्ठापना हुई जो धर्माधिष्ठित हुआ करता है। तो सृष्टि निर्माण की मान्यता, ये पहला पहलू। सृष्टि निर्माण की मान्यता के अनुसार चराचर में आत्मभाव देखने वाली, कुटुंब भावना का व्यवहार बताने वाली ऐसी भारतीय जीवन दृष्टि है, उसका दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू है इस जीवन दृष्टि के अनुसार व्यवहार। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, आज जो लोग कुछ पहुंचे हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यह तो बहुत सीमित है भारतीयता की दृष्टि से। हमारे समाज ने तो इससे बहुत आगे का विचार किया था, बहुजन समाज क्यों, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसके आगे का चरण, और उससे भी आगे का चरण सर्वे भवन्तु सुखिना, जो जड़ चेतन है, केवल मानव जाति नहीं,
जड़ चेतन है, जीव अजीव है, वह सब सुखमय हो, उनका जीवन सुखमय हो, इस प्रकार का यह विचार, इसे हमें राष्ट्रीय जीवन कहा है। इस प्रकार का जीवन जो जीता है वह राष्ट्र होता है, क्योंकि वह राष्ट्र यह धर्माधिष्ठित अवधारणा है और नेशन यह सत्ताधिष्ठित अवधारणा है। ऐसे कई शब्द हैं जो हम अपनी भाषाओं में गलत ढंग से उपयोग करते रहते हैं, या भारतीय शब्दों का गलत ढंग से अंग्रेजी में उपयोग करते रहते हैं। धर्म ऐसा ही एक शब्द है, हम रिलीजन या मजहब कहलाते हैं। किंग ऐसा ही शब्द है, किंग और राजा भिन्न होते हैं, किंग तो सत्ताधिष्ठित होता है, राजा धर्माधिष्ठित होता है। कुटुंब और फैमिली में अंतर है, कुटुंब तो कुटुंब भाव से जो जो लोग जुड़े हैं वह सब कुटुंब के सदस्य हो जाते हैं, कुटुंब का विस्तार होता रहता है, रक्त संबंधी भी बढ़ते रहते हैं। हम रिश्तों की गिनती करना शुरू करें तो हिंदी में शायद हम 40 से ऊपर रिश्तों की सूची बना सकेंगे। तो कुटुंब भावना से ओत प्रोत होना यह भारतीयता है। इस प्रकार से हमारा व्यवहार वसुधैव कुटुंबकम का होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः का होना चाहिए, और ऐसा व्यवहार करने के लिए आवश्यक अनुकूल अनुरूप ऐसी शिक्षण रक्षण पोषण व्यवस्थाएं भी निर्माण होनी चाहिए। ऐसी शिक्षण रक्षण पोषण व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से चलाने के लिए जहां इनके लिए श्रेष्ठ मानव का निर्माण होता है, जहां इनके लिए संस्कार शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, ऐसे कुटुंब जीवन, ऐसे वर्णाश्रम धर्म की भी यहाँ प्रतिष्ठा की गई थी। ये सब मिलाकर जीवन का भारतीय प्रतिमान बनता है और यह सनातन है। इसके स्वरूप में कुछ भिन्नता आ जाती होगी, आएगी ही, युगानुकूल इसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है, लेकिन इसके जो तत्व है उनको दुर्लक्षित नहीं किया जा सकता। इन तत्व को आपने छोड़ा तो धर्म छूटा, इन तत्वों को आपने छूटा तो भारतीयता छूटी। इसे हमें ध्यान में रखना होगा और इस दृष्टि से हमें इस जीवन के भारतीय प्रतिमान का विचार, इसको अच्छी तरह से समझना, इसको लोगों को समझाने की दृष्टि से इसका अध्ययन करना, लोगों तक इसे ले जाना, लोगों के विचार जो हैं उनको श्रेष्ठ बनाना, उनको सुधारना, परिष्कृत करना, और फिर समाज जीवन में श्रेष्ठ व्यवस्थाओं के निर्माण की दृष्टि से फिर से इनके सनातन स्वरूप को, राम के काल में कुटुंब जीवन में कुछ अलग अलग प्रकार के से जीवन जीते होंगे, कुछ खाना अलग ढंग से बनता होगा, कुछ प्रत्यक्ष एक दूसरे के व्यवहार के इसमें कुछ अंतर रहता होगा, लेकिन कुटुंब भावना यदि नहीं होगी तो राम का काल नहीं रहेगा, महाभारत का काल, कृष्ण का काल, कृष्ण का काल नहीं रहेगा। इसे समझना होगा और इसके लिए इसके जो आधारभूत, इस जीवन के प्रतिमान के जो आधारभूत सनातन तत्व हैं, इसे समझना और इन्हें समझकर आज के युग के अनुकूल, युग के अनुकूल इसका अर्थ यह नहीं कि जो भी आज ज्ञान समाज में प्रस्तुत है उसको स्वीकार किया जाए, जो सनातन के साथ में सुसंगत है, इसके साथ में चलने वाला है, ऐसे सभी नवाचारों का स्वागत है। नवाचारों के लिए कभी हमने विरोध नहीं किया, लेकिन नवाचार करते समय तत्व को हमने छोड़ने का प्रयास कभी नहीं किया। यही भारतीय जीवन की, भारतीय जीवन के प्रतिमान की विशेषता है। इन बातों को हम समझें, ऐसा मेरा आप सब विद्वजन से निवेदन है। और इस विषय में कुछ आप प्रश्न पूछना चाहेंगे तो अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, मुझे एक बार इस प्रकार से आप सबके सामने संवाद करने का जो अवसर आशुतोष जी ने और इन सभी विविध प्रकार की संस्थाओं के सदस्यों ने दिया है, उसके लिए मैं इन सबका और आशुतोष जी का विशेष आभारी हूँ। धन्यवाद सर। आभारी तो हम लोग हैं कि आपने जिस तरह से जितने सब तर्क से आपने अपनी बातों को रखा है और सारे विषय को प्रस्तुत किया है, वो कोई सहज काम नहीं है। उसके लिए अनुभव और उसके लिए ज्ञान और उसके लिए एक जो कमिटमेंट जिसे हम कहते हैं निष्ठा,
वो आप में जो दिखाई दी है वो वाकई हम सभी के लिए बड़े आनंद की और उत्सव की बात है, और हमारा विश्वास दृढ़ हुआ है कि इस प्रतिमान के विषय में और अधिक चर्चा होनी चाहिए, विस्तार पूर्वक होनी चाहिए, और उसका हमें जो परिमार्जन या संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि हम उसको सुस्थापित और सुप्रतिष्ठित कर सकें, वो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे साथ जैसा कि हम लोगों का आशुतोष जी एक मिनट आपका दूंगा मैं जी। आशुतोष जी 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 सर, भारतीय शिक्षण मंच की ओर से जी इस विषय को लेकर 2 दिन के आचार्य आमुखीकरण वर्गों का आयोजन करते हैं जी। तो मैं चाहूंगा कि इनमें से जो भी विद्वजन ऐसे वर्ग में सम्मिलित होना चाहें, हमें बड़ा आनंद होगा कि ऐसे विद्वजनों तक इस प्रकार का विचार हम पहुंचा पाएंगे जी। अवश्य जरूर इस बात को हम बाकी साथियों तक भी पहुंचाएंगे, और निश्चित रूप से उसकी जो भी फॉर्मेट है वो आपसे लेकर के जरूर इसको हम करेंगे। तो हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं प्रोफेसर प्रवीण चौबे जी चंडीगढ़ से, गवर्नमेंट कॉलेज से। वो कुछ प्रश्न या कुछ टिप्पणी अपनी करना चाहते हैं, उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर आर के गुप्ता जी, और फिर उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर जंग बहादुर जी फिनलैंड से इस वक्त जुड़े हुए हैं, और उसके बाद अविनाश जी, और फिर बी डी थापर जी, नरेंद्र दत्त जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो अपनी अपनी बात रख सकते हैं, पहले प्रवीण जी फिर उसके बाद हम बाकी लोग। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रवीण जी नमस्कार, वार्ताकार जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत ही ज्ञानवर्धक था ये पूरा का पूरा विषय। छोटी सी टिप्पणी मेरी, हमें कभी भी, आज भी विद्यार्थी है हम, और कभी भी इस बात पे संदेह नहीं रहा कि भारतीय जो प्रतिमान है वो सर्वव्यापी है और सर्वकालिक है, और समय के साथ ये बात सिद्ध भी हो रही है। आज जब भी पूरा विश्व, चाहे वो भौतिकवाद की तरफ बढ़ रहा हो, पाश्चात्य संस्कृति से संबंधित जो लोग हैं वो उस पाश्चात्य संस्कृति के भौतिकवाद के चरम पे आज जिस तरह के डिप्रेशन के शिकार हैं, वो भी अगर विकल्प के रूप में देखते हैं तो भारतीय संस्कृति को देखते हैं। दूसरी तरफ मध्य पूर्व की जो संस्कृतियां हैं जहाँ पे अति हिंसा है, वहाँ भी कोई विकल्प नहीं मिलता, वहाँ पे भी अहिंसा की प्रवृत्ति जब सोच में आती है दुनिया को चलाने के लिए तो भारतीय संस्कृति की तरफ देखी जाती है। बात जब दुनिया में आज कोरोना या दूसरे इस तरह के वायरस फैल रहे हैं उनके कारण देखते हैं तो जीव हिंसा है या जीवों का भोग है, वो जब देखते हैं तो शाकाहार के रूप में भारतीय विकल्प ही सामने आता है। बॉलीवुड हॉलीवुड की बात करें तो वो भी जब विषयों को तो आज चुनना होता है तो उपनिषदों की ओर वेदों की ओर देखता है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया का जो भविष्य है वो भारतीय संस्कृति के और भारतीय अवधारणाओं पर ही आधारित है। सवाल सिर्फ इतना है सर, जो मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हम जो भारतीय संस्कृति के ग्राहक हैं और जो आगे ले जाने वाले हैं उनको, वो किस तरह से उस संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, अपने आप को मजबूत बनाते हैं। जब हम मजबूत होंगे तो जाहिर सी बात है कि दुनिया हमारी संस्कृति की उपादेयता और उपयोगिता जो कि ऑलरेडी है ही है उसको समझेगी और सुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब एक बार सबकी टिप्पणी ले लेते हैं, फिर उस सबके ऊपर आप अपना जो है एक पूरा वक्तव्य उस पे आप दे सकते हैं। हाँ जी गुप्ता जी, आर के गुप्ता जी सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए, और उसके बाद प्रोफेसर हो गया जी जी जी। तो सर दिलीप जी का और आपका बहुत बहुत आभार। मेरा प्रश्न नहीं है, मैं केवल कुछ एक दो आयाम जोड़ना चाह रहा हूँ जी संवैधानिक दृष्टि से, और वो भी मेरा मन व्यथित है जी पिछले एक सप्ताह से, विशेषकर कि किस प्रकार से भारतीय प्रतिमानों की राजनेताओं द्वारा ही धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेटेस्ट केस से शुरू कर रहा हूँ, अभी 2 दिन में ही बता रहा हूँ सर जी जी। एक निर्णय आया है जिसमें एक सेशन जज कह रहा है कि एक व्यक्ति वो सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं कर सकता महिला के साथ यदि उसको ये मालूम है कि वो शेड्यूल कास्ट है जी, अरे जिसके ऊपर संज्ञान लिया है जी, सुप्रीम कोर्ट ने। इस प्रकार से एक
दूसरा केस है गुजरात दंगों के बारे में बड़ा मशहूर हुआ है बिल्किस बानो वाला, कि जिसके दोषियों को कानूनी दृष्टि से वो सही हो सकता है लेकिन क्या वो नैतिक दृष्टि से सही है, उनको रिहा कर दिया जाए, और रिहा ही नहीं कर दिया जाए उसमें एक शासक दल के सदस्य जो कि उस कमेटी के मेंबर हैं वो ये कहें कि वो चूंकि ब्राह्मण है इसलिए उनका व्यवहार मर्यादित रहा जेल में इसलिए उनको छोड़ दिया जाए। दो बात, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र भी किया था लिविंग रिलेशनशिप का, आजकल मैं देख रहा हूँ हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है कि यदि आप रेप की बात करते हैं तो एक जज महोदया कह रही है कि जो है स्किन टू स्किन टच होना जरूरी है। मैं ये नहीं पा रहा हूँ कि जिनके ऊपर संविधान लागू करने की जिम्मेवारी थी, आर्टिकल 17 तो ये कहते हैं कि अस्पृश्य तक अंत होगा, तो ये कौन से हम निर्णय की ओर जा रहे हैं, हम किस प्रकार के व्यवस्था या प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। तो मेरा एक तो इस बारे में डॉक्टर साहब यदि बताएं तो बिल्कुल। एक छोटा जी डॉक्टर साहब से क्वेश्चन तो नहीं जिज्ञासा है, उन्होंने बोला कि पात्रता के अनुसार शिक्षा दी जाती थी, क्या आज जब हम 130 करोड़ से ऊपर हो गए हैं करेंगे कि जो नवजात शिशु है वो क्या स्वभाव लेकर पैदा हुआ है, क्योंकि समाज में पहले से ही भारतीय शास्त्रों के विपरीत भारतीय संस्कृति के विपरीत जन्म के आधार पर सामाजिक वर्गीकरण कर दिया गया है, क्या शिक्षा के द्वारा प्राप्तता नहीं प्राप्त कर सकते। मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि शिक्षा के माध्यम से हम अपनी पात्रता प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा से पूर्व नहीं, ये एक अंतर मेरे को लग रहा है, क्योंकि यदि हमने ये मान लिया कि पात्रता के अनुसार शिक्षा होगी तो पात्रता निर्धारित कौन करेगा, कम से कम धर्म के आधार पर पात्रता निर्धारित नहीं हो सकती है, ये थोड़ी सी मेरी है। धन्यवाद जी, जी ठीक है। डॉक्टर रूपिका भनोट जी, डॉक्टर रूपिका अपने को अनम्यूट कर लीजिए, और प्रवीण जी शायद दोबारा कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद मैडम रूपिका ने। हाँ जी मैडम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सादर नमन सर। नमस्ते सर। हाँ जी सर, मैं प्राणापन से आपने अपनी अनुभूतियां विचार जो हम सबके साथ साझा किए हैं उन सबके अभिप्राय और उद्देश्य को भली भांति समझ रही हूँ, और आपके द्वारा कहे गए एक एक शब्द के लिए हृदय से आभारी भी हूँ। लेकिन यहाँ मेरी एक जिज्ञासा है जो मेरी दुविधा से और अज्ञानता से उत्पन्न भी हो सकती है, पर मुझे लगता है कि मुझे वो अवश्य ही आपसे साझा करनी चाहिए। जैसे अंग्रेज तो हमारे यहाँ 300 साल पहले आए, और जो मुसलमान जिनको यवन के नाम से भी हम पुकारते रहे हैं वो लगभग 1100 साल पहले आए, तो क्या भारतीय समाज व्यवस्था में साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति इससे पूर्व कभी भी अंकुरित नहीं हुई थी? नहीं, ठीक से समझ में नहीं आया। भारतीय समाज की, भारत में जो समाज व्यवस्था थी क्या उसमें साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति कभी भी अंकुरित नहीं हुई? और इसी संबंध में मैं एक प्रश्न यहाँ और भी जोड़ देना चाहती हूँ कि राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ सम्राट व्यवस्था में इनका क्या औचित्य था और ये क्यों जरूरी हुआ करते थे? ये अच्छा पक्ष है, रुचिकर पक्ष है। प्रवीण जी आप दोबारा कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं तो प्रोफेसर अविनाश जी और नहीं सर। ओके ओके ओके, हाँ जी प्रोफेसर अविनाश श्रीवास्तव जी, सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद डॉक्टर जंग बहादुर जी। अनुग्रहित हूँ इस व्याख्यान के लिए।
आप दोनों का जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और दिलीप केलकर जी का भी जिन्होंने बड़े अच्छे विचार, दादर सनातन से प्रवाहित होती हुई जो विचारधारा है हम लोगों तक संप्रेषित करने का प्रयास किया है। वस्तुतः उनके बीच में तकनीकी खराबी के कारण मेरा जो है लैपटॉप बंद हो गया था, तथापि जो बातें मैं समझ पाया हूँ, दो बातें बड़ी अच्छी लगी। एक तो वर्ण व्यवस्था, और दूसरा जो है हमारी जो प्राचीन सर्व भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्ति निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम् की परिकल्पना है। वस्तुतः अभी गुप्ता जी ने कहा कि ये जो परंपरा हमारी वर्ण व्यवस्था की थी, वर्णाश्रम की थी, ये थोड़ी मंद पड़ गई है। इसका कारण यह है कि यह वर्ण व्यवस्था अब जाति व्यवस्था में परिणत हो चुकी। यह स्पष्टता है गीता में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि चातुर्वर्ण में आश्रष्टं गुणकर्मा विभागशः, और उसके बाद सबों के कार्यबोध भी बताए थे कि शमुदमस्तप शौचं क्षान्ते राजर्वम ज्ञान विज्ञान मस्तिष्कं ब्रह्मण कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म सुदृश्यापि स्वभावजं। लेकिन अंतिम उन्होंने बड़ी अच्छी बात गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, स्वे स्वे कर्मण्यभिर्तः संसिद्धि लभते नरः, क्योंकि जो अपने समस्त कार्यों को स्वधर्म में निपुणता से उपाय मैंने करता है वह पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। और उपनिषदों में भी ऐसे अनेक प्रसंग देखने को मिलते हैं कि पुत्र जो है वह पुरोहित बना हुआ है, और पिता चूंकि शूद्र है वह यज्ञशाला से 50 फीट दूर पर बैठा हुआ अपने आते हुए ब्राह्मण पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा है। यही तो हमारे धर्म की और यही तो हमारे सनातन धर्म की विशिष्टता थी कि एक ही घर में शूद्र भी हुआ करते थे, क्योंकि वे कर्मणा होते थे। और सबसे बड़ी बात, पुलस्त्य मुनि का नाती रावण उत्तम कोटि का ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस माना गया, वो कभी भी ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित अवश्य हुआ लेकिन वह भी राक्षस माना गया, क्योंकि हमारे यहाँ कर्म के आधार पर ये सारे कार्य। ये प्रकारांतर से हमारे यहाँ परिवर्तन कैसे आया, रूपिका भनोत जी ने बड़ी अच्छी बात कही। वस्तुतः जब मुगलों का आक्रमण हुआ और मुगलों के आक्रमण के बाद हम लोगों ने यह समझना आरंभ कर दिया कि जो विजेता है उसकी संस्कृति हमारी श्रेष्ठ है, तब तो हम पर विजय प्राप्त किए। और धीरे धीरे हमारी संस्कृति प्रदूषित होती गई, हम उसकी संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर उसे अपनाते गए, और उसी कालखंड में दो तीन बातें जो दृष्टिगत होती है कि हमारे क्षेत्र में बौद्धिक स्तर पर दो प्रकार की चुनौतियों का अनुभव हुआ। पहला कि वैचारिक संकट हुआ और दूसरा अकादमिक संकट हुआ, जिसकी चर्चा उन्होंने अपने बड़े अच्छे ढंग से की है। परिणाम स्वरूप उस गुलामी के कारण दर्शन जगत धर्म जगत में जागरूकता व्याप्त हुई, बौद्धिक विभ्रम एवं रूढ़िवादिता को जन्म दिया गया, और देश जो किसी भी देश के बौद्धिक विकास एवं नैतिक प्रगति के लिए सर्वथा घातक है। और ये कारण ये हुआ कि सदियों की विदेशी दासता ने हमारी सृजनात्मक क्रियाशीलता एवं प्राण शक्ति को मंद कर दिया। विदेशियों के प्रति विद्वेष और अपनी सभ्यता के प्रति अतिरेक अभिमान। अब यहाँ पर दो बातें आई कि अब विद्वेष की जब भावना होता है तो कम से कम अपने प्रति हमने अतिरेक अभिमान जो हुआ, जिसके कारण हमारे यहाँ लोग कूप मंडूक और जड़ता की में शिकार हुए। और इसका सबसे बड़ी बात यह आती है, हमारे नसों में कर्म का सिद्धांत नस नस में व्याप्त था, इसका विस्मरण तो नहीं हुआ लेकिन उस पर किस्मत का रंग चढ़ गया और उस पर ईश्वर इच्छा और भाग्य का उगुंठन डाला गया। और यही कारण है कि जब महाकवि तुलसीदास कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा, अचानक हनुमान जी की गदा का स्मरण आता है और तुरंत बोल पड़ते हैं कि वही है वही जो राम रचि राखा। तो इस प्रकार हम उस दास्ता के काल में हमारे ऊपर आक्रमण हुए वो अभी भी चल रहा है। दूसरी बात यह है कि बौद्ध दृष्टि से अगर हम देखें तो बौद्धों ने कभी भी
इस वर्ण व्यवस्था का खंडन नहीं किया है। बुद्ध ने तो स्वयं कहा है न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो कमुना वसलो होती कमुना होती ब्राह्मणो। और उन्होंने तब शूद्र के लिए वसल सूत्र लिखा है, ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण सूत्र लिखा है। और सब जिस प्रकार हमारे यहाँ मनु ने इन सारी चीजों की विशेष विवेचना की है और उन्होंने भी क्या मनु स्पष्ट कहा है जन्मना जायते शूद्र संस्कार विवेचते। तो असल दिक्कत क्या हुई कि लगातार जो हम सदियों से गुलामी में पड़े रहे तो हम अपने उन समस्त वलक्ष पक्षों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया और उनकी जो कुरीतियां थी उसे हमने अपने ऊपर स्वीकार कर लिया। अब अपेक्षा है एक बार अपने पुराने मूल्यों के पुनर्मूल्यांकन की, क्योंकि काल के साथ हमारी चिंतन भी धारा बदलते रहती है, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, परिभाषाएं बदल जाती है। आपने तो बड़ी अच्छी बात कही, धर्म और रिलीजन दोनों को लोग इक्वेट करने लगते हैं, जबकि रिलीजन का अर्थ इंस्टीट्यूशनल रिलीजन होता है और धर्म तो धारयति धर्म जो हमारे समाज शरीर और देश को सुदीर्घ बनाने की बातें करते माने सूत्र निवेशित करता है उसे ही धर्म कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस विलक्षण आख्यान के लिए एक बार मैं पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए धन्यवाद अविनाश जी। धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र दत्त जी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद डॉक्टर जंग बहादुर जी और सीके झा जी अगर कुछ कहना चाहें। नरेंद्र जी पहले तो मैं व्याख्यान के लिए आपको और भाई को बहुत बहुत साधुवाद। पिछले दिनों एक दो दिवसीय कार्यशाला में मोहाली जाने का अवसर मिला और ऐसा देव योग संयोग बना कि भाई साहब से वर्किंग डे में प्रत्यक्ष मिलना हुआ आशुतोष जी से, और उसमें जो चर्चा हुई उसका परिणाम स्वरूप आज का ये जो सेमिनार है वेबिनार है वो उसमें से निकल के आया। ये बड़ा मेरे लिए भी प्रसन्नता का विषय है। आदरणीय दिलीप जी ने भी अपना समय दिया और बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लिया। मुझे लगता है कि जो अपनी अखंड भारतीय संस्कृति है वो जो चली आ रही है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए एक लंबा समय हमें चाहिए होगा। जो जीवन का भारतीय प्रतिमान है वो एक तरह से उसकी जो ध्वजा है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए इस आयु में भी आदरणीय दिलीप जी एक योद्धा के रूप में मुझे दिखाई देते हैं। इसलिए आचार्यों के बीच में इस विषय को लेके जाना और इनके द्वारा जो लिखी गई दोनों पुस्तकें हैं विशेष रूप से वो मुझे लग रहा है हम सबको अध्ययन करना चाहिए। तो उसमें से बहुत से विषय और बहुत सी जो परिभाषाएं हैं उसको ठीक से समझने में हमें अच्छा आनंद भी आएगा और उसमें कुछ स्पष्टता भी होगी। तो आज के इस क्योंकि ये पहले से समय काफी हो गया है तो पुनः बहुत बहुत ये विषय आगे रुकना नहीं चाहिए, निरंतर चलना चाहिए, इसके लिए मेरा रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर। प्रोफेसर जंग बहादुर जी सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार। मेरी आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। ब्रजे बसंतम ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम ब्रजंगनानाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम चौरम नमामि चौराग्रगण्यम चौरम नमामि। आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन डॉक्टर आशुतोष जी के द्वारा आयोजित इस तरंग संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में व्याख्यान देने वाले परमादरणीय डॉक्टर दलीप पांडुरंग केलकर जी, इस पटल से जुड़े हुए अन्य सभी विद्वान एवं विदुषी प्रतिभागी मित्रों, मैं सर्वप्रथम आप सबका हार्दिक नमन वंदन
अभिनंदन करता हूं। अभी फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हूं और 28 तारीख तक मुझे यहां रहना है। बड़े ध्यान पूर्वक मैं डॉक्टर केलकर का व्याख्यान सुन रहा था और उन्होंने बड़े ही सारगर्भित ढंग से विषय का प्रतिपादन किया, मीमांसा की 21वीं शताब्दी में जीवन, भारतीय जीवन के प्रतिमान की मीमांसा। मैं सबसे पहले उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और आशुतोष जी ने दो शब्द कहने का अवसर दिया, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मित्रों, भारतीय संस्कृति धर्माश्रित है और जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थों को प्रश्रय देती है और ये भारतीय जीवन के प्रतिमान हैं। लेकिन भारतीय जीवन के सभी प्रतिमानों में दो बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको लेकर के भारत भारत कहा जाता है। एक का नाम है त्याग और दूसरे का नाम है प्रेम। ये जीवन के ऐसे मूल्य हैं, जीवन के ऐसे प्रतिमान हैं जिनको अपना करके हम बेहतर से बेहतर जीवन जी सकते हैं। ईशावास उपनिषद का पहला मंत्र है, आप सभी विद्वान हैं, ईशावास इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृद्धः कस्विदधनम्। ये संपूर्ण सृष्टि ईश्वर में है, इसलिए भोग त्याग से युक्त हो तब जीवन सुखमय होता है। ये भारतीय जीवन का प्रतिमान है और राम कथा इसका ज्वलंत उदाहरण है। मैं केवल एक उदाहरण दे करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि राम कथा त्याग की कथा है, भोग की कथा नहीं है और राम कथा का हर आदर्श पात्र त्याग कर रहा है। दशरथ ने पुत्र प्रेम में प्राण त्याग दिए, राम ने पिता के वचनों के अनुपालन में अयोध्या जैसे साम्राज्य का त्याग किया, जानकी ने अयोध्या के सुख वैभव का त्याग किया, लक्ष्मण ने भाई का साथ देने के लिए अयोध्या के वैभव का त्याग किया और जिसके लिए गद्दी मांगी गई, भरत ने भी अयोध्या के साम्राज्य का त्याग किया। मित्रों, ये त्याग प्राप्ति का पहला सोपान है और भारतीय जीवन का ऐसा मूल्य है। केवल एक इस त्याग के कारण राम कथा विश्व की सर्वश्रेष्ठ कथाओं में परिगणित हो गई और इस त्याग में प्रेम संयुक्त होता है तो महान हो जाते हैं। मित्रों, मैं भारतीय जीवन मूल्य अपने आप में विशिष्ट है, यहां प्रेम निस्वार्थ है और आसक्ति की कोई गुंजाइश नहीं, वासना की कोई गुंजाइश नहीं। मैं इतिहास से आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि शिवाजी के सैनिकों ने अफजल खां की सेना से एक खूबसूरत मुगलानी को पकड़ के लाया था और शिवाजी ने कहा, मां आप बहुत सुंदर हैं, यदि मैं आपका पुत्र होता तो मैं भी खूबसूरत होता। हमारे सिपाहियों ने पकड़ करके यहां शिविर में लाया, आप उन्हें माफ कर देना। और ये आपके सौंदर्य पर मोहित थे, बाइज्जत उन्होंने
मुगल सेना में पहुंचा दिया। ये भारत का जीवन मूल्य है, ये भारत का आदर्श है। मित्रों लगता है कि समय बहुत कम है, इसलिए मैं भारतीय जीवन मूल्यों को रूपायित करने वाले, भारत ज्ञान की भूमि है और सबके मंगल की कामना करता है, ये पंक्तियां मैं आपको निवेदित करता हूं। महाशक्ति न को यह ध्यान रहे, महाशक्ति न को यह ध्यान रहे, पृथ्वी पर कभी पृथ्वी पर वृथा विध्वंस न हो, कोई न अकाल मरे जग में और वंश कोई निर्वंस न हो, कोई नीति अनीति में भेद करे यदि राम सरीके हंस न हो, पृथ्वी धंस जाए रसातल में, पृथ्वी धंस जाए रसातल में, पृथ्वी धंस जाए रसातल में, पृथ्वी पर जो धर्म का अंत न हो। भारत धर्म भूमि है और प्राचीन काल में सत्ता गुरुकुल निर्देशित होती थी, ये हमारा आदर्श था। आज हम पश्चिम से प्रभावित हुए और गुरुकुल सत्ता से निर्देशित होने लगा, समस्या यही उपस्थित हो गई। इसलिए मैं आप सब की मंगल कामना करता हूं और भारत के पास स्वाभिमान है, अभिमान नहीं, और स्वाभिमान और अभिमान में बड़ा अंतर है। मैं जानता हूं यह स्वाभिमान है और केवल मैं ही जानता हूं यह अभिमान है। इसलिए भारत के जीवन का प्रतिमान स्वाभिमान के साथ रहना, इसलिए जो गुण मान गुमान करें, जो गुण मान गुमान करें, गुण को कहिए न गुनी न गुनी, बहु संपत्ति बहुतक संपत्ति जोरी करें, उनको कहिए न धनी न धनी, जो नारी पति व्रत रह न सके, भारतीय प्रतिमान, जो नारी पति व्रत रह न सके, उनको कहिए न जनी न जनी, और जिनकी न बनी रघुनंदन सो, जिनकी न बनी रघुनंदन सो, उनकी कबहू न बनी न बनी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की संगोष्ठी की सफलता की मंगल कामना करता हूं और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर संगोष्ठी आयोजित करने के लिए बंधुवर डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी को बधाइयां देता हूं कि उन्होंने डॉक्टर केलकर जैसे विद्वान को सुनने का अवसर हमें प्रदान किया। भारतीय जीवन मूल्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिंद, जय जीवन मूल्य। धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि अब डॉक्टर साहब ने ये सारी टिप्पणियां सारे विषयों को सुन लिया है, प्रश्न जिज्ञासाएं और जो भी अपनी अपनी तरह के हमारे कंसर्न थे उन सबको सुना है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा डॉक्टर दिलीप जी से कि वो सभी के ऊपर सामूहिक रूप से अपनी टिप्पणी करें और जिन प्रश्नों के जो जिज्ञासाएं की गई हैं, प्रश्न उठाए गए हैं, चिंताएं व्यक्त की गई हैं, उनका वो समाधान हमें प्रस्तुत करें। धन्यवाद आशुतोष जी। सबसे पहले तो बहन जी ने एक विषय रखा था कि क्या भारत साम्राज्यवादी रहा। ये वाद शब्द जो इसके साथ में जुड़ता है ना, ये इसको बिगाड़ता है। देखिए सम्राट और एम्परर, इनमें अंतर होता है।
सम्राट यह धर्म की ध्वजा लेकर विश्व भर में जाता है, जहां दुष्ट शक्ति होती है उसका संहार करता है, और धर्म का अनुपालन करने वाले किसी शासक की वहां प्रतिष्ठापना करता है। जैसे भगवान राम श्रीलंका गए, रावण का वध किया, लेकिन वहां राजा बनकर लक्ष्मण को या किसी को रखा नहीं। लक्ष्मण तो कह रहा था आप यहीं कर, यहीं से राज्य करो अभी। तो यह साम्राज्यवाद नहीं था। हमारे सम्राट ये किसी भी प्रकार से अपने साम्राज्य के लोगों के लूट के लिए अपने साम्राज्य का क्षेत्र नहीं बढ़ाते थे। तो यह तो धर्म की गरिमा, जितने अधिक क्षेत्र पर पहुंच सके उसका प्रयास करते थे। इसके लिए जो वर्तमान, जिसे वर्तमान में जिसे साम्राज्यवाद कहते हैं, उसका हमारे सम्राटों से कोई संबंध नहीं था। किसी भी सम्राट की, एक अशोक का उदाहरण छोड़ दे, जिसने कलिंग में अनन्वित अत्याचार किए, किसी भारतीय राजा को शोभा नहीं देंगे ऐसे, वह एकमात्र अपवाद आपको मिलेगा। अन्यथा भारत की परंपरा तो यही रही। एक छोटा सा उदाहरण मैं और दूंगा। पूजनीय शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ, पुरी के जगत गुरु थे वो, उनकी एक पुस्तक है और ग्लोरियस हेरिटेज, उसमें उन्होंने एक व्याख्यान में उनके बताया है कि मेक्सिको के पुरातन ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हुए हैं, उनको देखने के बाद ऐसा ध्यान में आता है कि कोई लगभग 5000 वर्ष पूर्व कोई भारत से एक महान योद्धा वहां पर गया था। उसने अकेले ही, और उसने शब्द का प्रयोग किया है सिंगल हैंडेड, और उसको वो दुरुस्त करता है, नहीं सिंगल हैंडेड नहीं, डबल हैंडेड। उस योद्धा ने हमारे सब योद्धाओं को अकेले ने परास्त कर दिया। अब यह जो उसका किया हुआ वर्णन है, यह अर्जुन से मेल खाता है, क्योंकि आगे जो वर्णन किया है वह अर्जुन और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से जुड़ा हुआ है। वह कहता है कि यह जो योद्धा था, यह एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से लड़ता था, और हम जानते हैं अर्जुन की यह विशेषता थी, वह सव्यसाची था, दोनों ही हाथों से उतनी ही कुशलता से, उतनी ही सामर्थ्य के साथ में वो युद्ध कर सकता था। इसका वर्णन ही वह वर्णन करने वाला कर रहा है। वो आगे कहता है, उस योद्धा ने हम सबको जीता, जीतने के बाद में करबद्ध होकर उसने हमसे कहा कि मैं यहां आपका राज्य छीनने नहीं आया हूं, मैं आपके राज्य में लूट करने नहीं आया हूं, स्त्रियों पर बलात्कार करने का तो उस समय शब्द भी नहीं निकाला होगा, लेकिन आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं ऐसे अत्याचार करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं आपको सादर निमंत्रण देने के लिए, क्योंकि मेरा बड़ा भाई हस्तिनापुर में एक बहुत विराट ऐसा यज्ञ कर रहा है, और इस यज्ञ के आप साक्षी बने। उस यज्ञ में राजा युधिष्ठिर को आशीर्वाद दें, उनको शुभेच्छाएं दें, और इस दृष्टि से मैं आपको एक सम्माननीय अतिथि के रूप में ले जाने के लिए आया हूं। अब वो तो मजबूर थे, हारे हुए थे, उनको तो जाना ही जाना था, लेकिन वो बाद में वर्णन करते हैं वहां पर बड़े सम्मान के साथ में वो योद्धा हमें भारत में ले गया, यज्ञ में सहभागी किया, और बहुत मूल्यवान ऐसे भेंट वस्तुएं हमें दी, और सम्मान के साथ हमें वापस अपने स्थान पर भेजा, मेक्सिको तक भेजा। यह हमारे यहां का सम्राट और राजसूय यज्ञ का प्रयोजन, इसे हम ध्यान में लें, क्योंकि यह भी उन्हीं बहन जी ने पूछा था, इस राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इनके प्रयोजन क्या हुआ करते थे। ये प्रयोजन तो पूर्वी धर्म की ध्वजा जो है पूरे विश्व भर में फैलाए, इसके लिए यह यज्ञ हुआ करते थे।
और इसीलिए कोई किसी के मन में आता, मैं बलवान बन गया हूं अब सम्राट बन जाऊं, ऐसा नहीं होता था। समाज के विद्वत जन उसके पास जाते थे और कहते थे, राजा अब यह समय आ गया है कि तुम धर्म की ध्वजा पूरे विश्व भर में फैलाओ फहराओ। और फिर वह राजा निकलता था अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर और पूरे विश्व को पादाक्रांत करता था, आक्रांत नहीं करता था, लूट मार नहीं करता था। यह हमारा कोई भारतीय कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। इसे हमें समझना होगा कि हमारा हमारा कृणवंतो विश्वमार्यम और अभारतीय अधार्मिक लोगों का साम्राज्यवाद, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसे हमें समझना होगा। दूसरा, अविनाशी ने वर्ण और जाति के बारे में कुछ बताया था, काफी कुछ तो उन्होंने बिल्कुल ठीक ही बताया, केवल एक दो बातें मैं दुरुस्त करना चाहूंगा। रावण के बारे में उन्होंने बताया कि यह ब्राह्मण वर्ण का था, क्षमा कीजिए रावण यह ब्राह्मण वर्ण का नहीं था, ब्राह्मण जाति में जन्म लिया था। हम इस जाति और वर्ण के ताने बाने को हम ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं और इसके लिए हमारे मन में जाति और वर्ण के बारे में बहुत संभ्रम है। एक दो तीन बातें मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा और आप मेरी पुस्तकें पढ़ेंगे उसमें और इसका स्पष्टीकरण आपको मिल जाएगा। जातियां तीन ही प्रकार की होती हैं, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति। शूद्र नाम की कोई जाति होती ही नहीं। शूद्र जैसे बाकी तीन वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वैसा ही शूद्र वर्ण है। तो चार वर्ण के लोग तो होते हैं, पर आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे, किसी भी जाति का अध्ययन कीजिए आप पाएंगे कि चारों वर्णों के लोग उस जाति में उपलब्ध हैं। मानव समाज में कहीं भी अध्ययन कर लीजिए, चारों वर्णों के लोग हैं। एक उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने रखता हूं और उससे उसकी पुष्टि होगी कि रावण यह ब्राह्मण जाति में जन्मा हुआ दुष्ट क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति था। दुष्ट था लेकिन था तो क्षत्रिय वर्ण का, ब्राह्मण वर्ण का नहीं था, ब्राह्मण जाति का था। और ब्राह्मण जाति का होने से वेदों का अध्ययन उसने किया था, ज्ञाता था। तो ज्ञाता तो हो सकता है, क्षत्रिय भी हुआ करते थे, वैश्य भी हुआ करते थे, वेद ज्ञान तो सबके लिए खुला था, तीनों जातियों के लोगों के लिए। अब जो शूद्र का विषय है तो इसको और स्पष्टीकरण के लिए आप कल्पना कीजिए, बाबा साहेब अंबेडकर कौन थे? क्या वो शूद्र थे? यदि गुण कर्मों के हिसाब से आप उनको शूद्र कहना चाहते हैं तो आपके पास कोई आधार नहीं है। वो महार जाति में जन्मे थे, यह तो सत्य है। तो जाति के तो वो महार थे लेकिन वर्ण के तो वो ब्राह्मण वर्ण के ही थे। उन्होंने पूरी अपनी आयु में जो भी कुछ काम किए उसका विश्लेषण करके देखिए, कौन से शूद्र के काम किए उन्होंने? उन्होंने तो ब्राह्मण और कुछ मात्रा में क्षत्रिय वर्ण के काम किए हैं। और भी उदाहरण देता हूं मैं, धर्मपाल जी ने उनके पुस्तक में ब्यूटीफुल ट्री में वर्णन किया है कि जो 6.5-7 लाख गांव थे, इन हर गांव में हर पात्र बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। और ये विद्यालय कौन चलाते थे? ये विद्या केंद्र कौन चलाते थे? उसमें वो बताते हैं इनमें सब जाति के शिक्षक थे। अब ये सब जाति के शिक्षक थे तो वहां शिक्षा का काम क्यों कर रहे हैं? उसका कारण यह है, यह उन जातियों के ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति हुआ करते थे। और ब्राह्मण का काम अविनाशी ने बताया कि दान ज्ञान प्राप्ति, अध्ययन अध्यापन, यही तो वो करते थे। तो उस जाति के ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति थे। इसे हमें समझना होगा, इस वर्ण और जाति के ताने बाने को समझना होगा। और इसको समझने की दृष्टि से मेरे पुस्तक में आप दो अध्यायों में मैंने इनका विवरण किया है, बहुत गहराई से तो नहीं हो पाया पृष्ठों की सीमा के कारण, लेकिन उसमें मैंने जाति व्यवस्था के 26 लाभ गिनाए हैं। और मेरी चुनौती है हर उस व्यक्ति को जो जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए आग्रह करता है, प्रयास करता है, उनके लिए मेरी एक चुनौती है कि वह इस जाति व्यवस्था के लिए कोई विकल्प तो सामने रखें कि
बुद्धिमत्ता का तो यही लक्षण होता है कि जब तक दूसरे अच्छे घर की रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती, हम पुराने घर को तोड़ते नहीं है। बुद्धि तो यही कहती, तो हम जाति को तोड़ते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे कोई श्रेष्ठ व्यवस्था तो बताइए। मैंने उसके 26 लाभ गिनाए हैं, मेरा कहना है उनमें से 15 लाभ भी गिना दीजिए, ऐसी व्यवस्था कोई सुझाव तो दीजिए। जी ठीक, हमें इनकी ओर भारतीय दृष्टिकोण से देखना होगा। जाति व्यवस्था राम के काल में भी थे, महाभारत के काल में भी थी, और इन जाति व्यवस्था के होते हुए भी बहुत संपन्न समृद्ध सुसंस्कृत ऐसे कालखंड रहे हैं भारत के। कैसे हो गए जाति व्यवस्था के बारे में तो धर्मपाल जी भी कहते हैं, आज जो जाति व्यवस्था के बारे में आक्रोश पाया जाता है उसके मूल में ईसाई हैं, उसके मूल में अंग्रेज हैं। क्योंकि एक दो मिनट लूंगा और, क्योंकि जाति व्यवस्था यह धर्मांतरण ईसाईकरण में विरोध करती थी। एक बार किसी ने जाति बदलकर ईसाई हो गया तो उसकी रोजी रोटी उससे छिन जाती थी, इसके लिए वो जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे, बदनाम इसके लिए उन्होंने किया। इसे हमें समझना होगा, इसके लिए वर्ण और जाति का ताना बाना ये समझना होगा। ये दोनों ही जो है ये व्यवस्थाएं मानव निर्मित हैं, इसमें दोष निर्माण हो सकते हैं, उन को दूर करना यह वास्तव में सही तरीका है। और एक न्याय व्यवस्था के बारे में बात की, साहब ने न्याय व्यवस्था के उसने सामने रखने का प्रयास किया। मेरा तो कहना है कि यह न्याय व्यवस्था जो है यह अधर्म पर आधारित न्याय व्यवस्था है। इसमें हर वकील जो है यह सच को झूठ, झूठ को सच बनाने के लिए डॉक्टर साहब आपकी आवाज, हाँ जी आवाज आ रही है, हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो यह पूरी व्यवस्था जो है इसमें हर वकील सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में अपनी बुद्धि झोंक रहा है, क्या इसे हम न्याय व्यवस्था कह सकते हैं? तो ऐसी न्याय व्यवस्था में तो ऐसी कितनी ही सारी अनगिनत ऐसी हमें समस्याएं दिखाई देंगी। अभी देखो भ्रूण हत्या किस माह में करनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा चलिए। अरे प्रश्न तो यह होना चाहिए कि भ्रूण हत्या को अनुमति कैसे मिले, यह तो मानव हत्या है, और मानव हत्या को हम कानून से अनुमति दे रहे हैं, कैसा न्याय है, कैसी न्याय व्यवस्था है? ऐसी हमारी सभी वर्तमान की जो इंडिया की जो व्यवस्थाएं हैं, अंग्रेजों ने स्थापित की हुई व्यवस्थाएं हैं, कभी समय मिला तो केवल इन व्यवस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से सब व्यवस्थाएं सत्ता अधिष्ठित है, बलवान अधिष्ठित है और बलवानों के हित के लिए बनी है। तो इस प्रकार से इन बातों को हमें समझना होगा, यह सब समग्रता में विचार करने का विषय है, टुकड़ों में विचार करके इसे हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, वैसे धन्यवाद शब्द पर्याप्त नहीं है, स्पष्टता और तर्क। आशुतोष जी मैं तो कहता हूँ धन्यवाद तो उसे दिया जाता है जी, जो दूसरे का काम करने के लिए आता है वो काम करता है। मैं तो अपने काम के लिए आया हूँ, आप तो मेरा अभिनंदन कर सकते हैं, धन्यवाद क्यों। जी 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 नहीं बिल्कुल, अभिनंदन ही है आपका, और अभिनंदन विचार की स्पष्टता के लिए, शब्दों के चुनाव के लिए, और जो भाषा में एक बिल्कुल सटीकता है आपकी, वो वाकई प्रशंसा के योग्य है, और हमारे लिए वो अनुगम्य है कि हम उसका अनुगमन करें, उसको उसमें सिद्ध हस्तता हम भी प्राप्त करें आपकी तरह, ये वाकई एक अभिनंदन के योग्य बात है। जी अविनाश जी। हाँ नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने कही, एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ जी, ये जाति व्यवस्था ही थी जो हमारे पूरे भारतवर्ष को बचा करके रखा है। जब हमारे क्षत्रिय लड़ रहे थे और पराजित या विजित माने जीत भी रहे थे उस समय, और धर्म परिवर्तन हो रहा था उस समय, हमारा पूरा का पूरा शूद्र बिल्कुल बचा हुआ था उस प्रकार के प्रहारों से, जिसके कारण आज हमारी सत्ता हमारा धर्म अक्षुण्ण रह पाया है, अन्यथा हम सभी विधर्मी हो जाते जी। और दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी बात कही, ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल,
न्याय व्यवस्था की स्थिति प्रतिकूल हो चुकी है, इट हैज बिकम ऑफ द पीपल ओ डेवलप ऑफ सारे प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आज अपेक्षा है इन सारी चीजों का पुनर्मूल्यांकन की और लोगों के बीच आप जैसे आख्यान माने बातें पहुंचाने की, जिससे कि हम अपनी चीजों को वास्तविक अर्थ में समझ सके, क्योंकि समस्याएं काल सापेक्ष होती है, चिंतन काल सापेक्ष होता है, और लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है काल के परिप्रेक्ष्य में उसका कैसे चिंतन किया जाए और उसे कैसे अनुप्रयोगी बनाया जाए, आज आवश्यकता इस बात की है। अन्यथा जिस प्रकार के विद्रूप धर्म को हम देख रहे हैं अपने भारतवर्ष में, सहजीवन नहीं वह स्वजीवन है। सहजीवन तो सबके साथ जीने का जीवन है, स्वजीवन है जो अपनी प्रसन्नता और दोनों पार्टी अपनी ही अपनी प्रसन्नता के लिए तब तक अनुकूल बने रहते हैं जब उनकी प्रसन्नता समाप्त हो जाती है, वह सहजीवन भी अपने अलग अलग हो करके अपने अपने गंतव्य पर चले जाते हैं। मेरे पास एक थीसिस आई थी सहजीवन पर, बड़ी मोटी थीसिस थी, 600 पृष्ठों की थी, और मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इस प्रकार के विचारों का संप्रेषण भारतवर्ष में होना बड़ा मैंने कष्टकारक मुझे प्रतीत हुआ। तो इस प्रकार की बातें तभी फैलती है जब हमारा धर्म और हमारी संवेदना धर्म के प्रति पूरी कमजोर होने लगती है। अपेक्षा है इन्हें पुनर्जागृत करने की, पुनर्व्याख्यात करने की और पुनर्मूल्यांकन। गुप्ता जी, आप मुझे लगता है आप के मन में भी कुछ बात आई है। केवल अविनाश जी के संदर्भ जो उन्होंने कहा उसके बारे में है सर, ये सच नहीं है कि इस जातीय व्यवस्था के कारण गुलाम हुए, क्योंकि जब प्राची का युद्ध हुआ केवल क्षत्रिय जाति के लोग लड़ रहे थे और बाकी जातियां बाहर तमाशा देख रही थी। इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। जी, इसको तो हम फिर बाद में लेंगे, लेकिन टिप्पणी आप डॉक्टर साहब। एक मिनट में मैं इसके बारे में बता दूं। देखो, ये जो लिखा गया है ना कि बाकी जनता बाहर से देख रही थी, और ऐसा भी कहा जाता है वो एक छोटा छोटा एक एक कंकड़ लेकर भी यदि मार देते तो अंग्रेज हार जाते, ये भी कहा गया है। तो इसे हम ठीक से समझें कि जो देखने वाले थे ये केवल अन्य तीन वर्णों के लोग थे, ऐसी बात नहीं है, क्षत्रिय वर्ण के लोग भी उनमें थे। इसे हम समझें, यह जो प्लासी की लड़ाई हुई है इसके लिए हमारे क्षत्रिय वर्ण के लोग लड़ाई लड़ रहे थे और बाकी सब लोग, इसे हम ठीक से समझें कि हर जाति में क्षत्रिय वर्ण के लोग होते थे, होते हैं, और वह अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गौरव के लिए लड़ते रहे हैं। इसे हमें ठीक से समझना होगा। यह तो धर्म को जब ग्लानी आई तब जिस प्रकार से अर्जुन अपना वर्ण धर्म को भूल गया, उसे याद दिलाने के लिए भगवान को भगवद गीता का उपदेश करना पड़ा, वैसा उपदेश करता कोई रह नहीं गया। इसके लिए क्षत्रियों को क्षत्रिय वर्ण का, उठो क्षत्रिय वर्ण है तुम्हारा, दुष्टों का निर्दालन करना, संहार करना ये तुम्हारा स्वधर्म है, अपने स्वधर्म का पालन करो। तो धर्म को जो ग्लानी आई थी उसका वह लक्षण है। वो तो 25% ही लोग लड़ेंगे। ये वर्ण व्यवस्था को भी आप इससे समझिए, अभी तो बहुत समझ जाएगा। मेरे पुस्तक में मैंने स्पष्टीकरण किया है कि हर मनुष्य में चारों वर्णों के गुण लक्षण होते ही हैं। इसके लिए हर मनुष्य में भी क्षत्रिय वर्ण के कुछ गुण लक्षण तो होते ही हैं। क्षत्रिय वर्ण के लोगों में वह प्रभावी होते हैं, अन्य वर्णों के लोगों में उनका प्रभाव कम होता है। जी जी, इसलिए बड़ा सुंदर उदाहरण। युद्ध के लिए तो समझिए इसको, युद्ध के लिए तो ब्राह्मण भी खड़े होते थे, लड़े ब्राह्मण जाति के लोग भी खड़े होते थे, ब्राह्मण वर्ण के लोग भी खड़े होते थे आवश्यकता अनुसार। नहीं, झाला सरदार जो लड़े हैं महाराणा प्रताप के साथ, अपने पूरे आदिवासी सेना के साथ,
वो सभी के सभी उस समय माने कालगत दृष्टि से क्षत्रिय ही माने जाते थे। हमारा महार रेजिमेंट है तो वो भी जो है कभी कभी देश के लिए लड़ा ही है, ऐसी बात थोड़ी है। तो जब हमारे अंदर का छात्रत्व प्रकट होने लगता है, देश के प्रति अभिमान से हम भरते हैं और उतने स्वाधीनता का पराक्रम दिखाने का अवसर आता है, तो हमारे सारे जातियों के लोग आपस में खड़े होकर के लड़ते हैं। इसका कारण आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि हर जाति में चारों वर्ण पाए जाते हैं। मुझसे एक प्रश्न किया इसी प्रकार की एक व्यक्ति ने कि मैंने ब्राह्मण छत्र कोई शादी नहीं करता है ये वो, तो मैंने कहा कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, ज्ञान विज्ञान मस्तिक ब्राह्मण कर्म स्वभावजम, मेरे ससुर जो है क्षत्रिय हैं और साले क्योंकि एक आर्मी में है, एक जो जुडिशियल अफसर है डिस्ट्रिक्ट जज है, मेरे पिताजी वैश्य हैं कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, और मेरी माता शूद्र है, सबों की सेवा में रत रहती है। तो हर समाज में, हर घर में, हर व्यक्ति और पूरे शरीर को आप देख लीजिए ना, हमारा मस्तिष्क ब्राह्मणत्व का प्रतीक है, ये भुजाएं क्षत्रिय का प्रतीक है, पेट पूरे शरीर को पोषण देता है, नस नस तक हमारे शक्तियां भरता रहता है, वह वैश्य का प्रतीक है, और हमारा पैर जो पूरे शरीर को लेकर चलता है वह शूद्र का प्रतीक है। तो इस प्रकार केवल जब समाज में ही नहीं, व्यक्ति व्यक्ति में ये सारे गुण पाए जाते हैं, आपका कहना सर्वथा सही। इसका वैसे एक और बड़ा सुंदर उदाहरण है कि जब ये वीर बंदा बैरागी हरियाणा में आए, सीरी खांडा में आकर के पहला उन्होंने बैरागी मठ में जब आश्रय लिया, तो वहाँ जो आसपास रहने वाले लोग थे उसमें सारे के सारे जो हैं ब्राह्मण से लेके शूद्र तक उनकी सेना में थे जब उन्होंने वो सेना इकट्ठी की। और इंटरेस्टिंगली सिख कोई भी नहीं था उस एरिया में, सीरी खांडा के सोनीपत के पास कोई सिख उसमें एरिया में नहीं था। और जब वो युद्ध के लिए चले हैं तो लेटर पीरियड में जब वो सरहंद पहुंचे हैं तब वहां पर वो मिले हैं। तो कई बातें स्पष्ट करने वाली हैं, और मैं चाहूंगा कि अगला कभी वक्तव्य अगर इस विषय पे हो सके कि जाति वर्ण और दलित इनका जो एक रहा है, जिस तरह से इसको ताना बाना बनाया जा रहा है, इसके नैरेटिव, इसके डिस्कोर्स पे हम बात करें, और इसके पीछे जो लोगों की इंटेंशंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज की अपने स्वार्थ के लिए, उसके ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे निकट भविष्य में। केवल इतना जानना चाह रहा हूं मैं जी जी, शांति दृष्टि से आदर्श की दृष्टि सब सही है। और अब तो केवल एक मैं उदाहरण देना चाह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने भगवत गीता की जो आलोचना की है अपने अंग्रेजी वाग में लेके सातवें खंड में, वो केवल इसीलिए की है कि जो व्यवहार में हमने जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था बना दी और उसको स्वीकार कर लिया। आज भी आप देखिए हमारी सेना में सभी जातियों के लोग हैं, लेकिन इसके समानांतर समाज में जातीय विद्वेष बढ़ रहा है। देखिए जो अंबेडकर के आरोप और आक्षेप है ना, वो कई बार तो बिल्कुल ही ऐसे हैं कि जैसे उन्होंने ना ये कसम खा रखी थी मैं किसी भी चीज को ठीक समझूंगा नहीं। देखिए अगर ये है ना, इस विषय पे आगे भी एक बार आपसे चर्चा हुई थी कि उन्होंने वो जो 21 रिडल्स वाली है वो बिल्कुल ही एक लघु पुस्तक सी है, मतलब वो इस योग्य नहीं कि उसको पढ़ा जाए। इसका वो उसमें ऐसे जैसे मेरी इंटेंशन ही ये है कि मैं सब कुछ गलत करके साबित करूंगा कि भाई कहाँ लिखा है कि वो पुरुष थे, विष्णु को कहाँ लिखा है कि भी इस तरह के पुरुष मनुष्य के हैं। तो अंबेडकर कोई ना तो वो इस तरह के व्यक्ति हैं कि भी उन्होंने सब कुछ उनको समझ में आ गया, ये ठीक है उन्होंने समाज को करेक्ट करने के लिए एक प्रयास किया है, और उसके साथ तो और बहुत लोग कर रहे थे उससे पहले, तो स्वामी दयानंद जितना कराया उतना तो अंबेडकर ने कितना किया है। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको हम लेंगे, और हम तो कोई न दैन्यम न पलायनम वाली स्थिति है डॉक्टर साहब, जरूर इस विषय को लेंगे। जाति वर्ण और जो दलित का ये जो नैरेटिव डिजाइन किया गया है और भर दिया गया है कि ब्राह्मणों ने पता नहीं क्या कर दिया और क्या नहीं कर दिया, ब्राह्मणों के बलिदानों की तो कोई चर्चा करके राजी नहीं है। आप करके देखें ना और इतिहास में निकालें तो लगने लगेगा कि ये इतिहास क्या पढ़ाया इन्होंने। एनीवे,
लेकिन अच्छी रुचिकर चर्चा रही और बहुत सारे आयाम हमारे सामने खुले हैं और आप सब की ओर से सभी हमारे साथ जुड़ने वाले विद्यालयों की ओर से मैं आज के मुख्य वक्ता श्री दिलीप पांडुरंग केलकर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं उनकी विद्वत्ता का, उनकी भाषा की स्पष्टता का। कहीं मतलब आप उनके देखिए कि कहीं उनको उनकी भाषा में रुकावट नहीं आती, शब्दों के चयन में भी बड़ी स्पष्टता है और मुझे बड़ी उससे प्रेरणा मिली है कि मैं भी उसी तरह से जो है वो बिना किसी रुकावट के उस भाषा का प्रयोग कर सकूं। मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा और साथ ही मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी सहभागी हैं ज्ञान में जिनकी रुचि है उन सबके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए, अपना उसमें योगदान दिया और यही वस्तुतः यज्ञ संस्कृति है, ये ज्ञान यज्ञ था और इस ज्ञान यज्ञ में आप सभी ने अपनी अपनी आहुति डाली है और उम्मीद करते हैं कि इसी ज्ञान यज्ञ से, इन आहुतियों से कोई ऐसा यज्ञ पुरुष उत्पन्न हो जो आगे चल करके इस समाज में परिवर्तन लाए और अपने प्रति जो अभिमान की भावना है उसको उत्पन्न कर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा वो प्लीज अपना फॉर्म भर दीजिएगा, मैडम मीनाक्षी जी ने और शिखा जी ने उसको शेयर कर दिया है और साथ ही साथ मैडम शिखा और प्रोफेसर मीनाक्षी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस सारे कार्य को रिकॉर्डिंग की है और जल्दी ही आप लोगों के साथ मैं इसे शेयर करूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू विनायक जी, धन्यवाद, गुप्ता जी धन्यवाद, नरेंद्र जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मैडम शिखा जी, मैडम मीनाक्षी बहुत बहुत आभार, अंजलि जी थैंक यू मैडम, नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार, फिर मिलते हैं, धन्यवाद बहुत, डॉक्टर रनीता जी धन्यवाद, बड़ी अच्छी चर्चा आज रही, हम लोग धन्यवाद तो नहीं अनुग्रहित महसूस कर रहा हूँ और एक बात मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में, अम्बेडकर जो है जी, महादेव अम्बेडकर जो ब्राह्मण थे उन्होंने ही इन्हें गोद लेकर के पढ़ाया भी है, तो अम्बेडकर तो ब्राह्मण का जो है हिट साइकिल है और उसके बाद अगर कोई इस प्रकार की बात करता हो तो बड़ा अनुचित मुझे प्रतीत होता है। अगर अम्बेडकर अगर आज अम्बेडकर के रूप में प्रतिष्ठित हुए, वो केवल पढ़ाया नहीं अपना नाम दिया है, सरनेम दिया है, अंबेडकर जी को अपना सरनेम दिया है, अपना सरनेम दिया, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अंबेडकर ने अपना उनको एक प्रकार से अडॉप्ट कर लिया था अपने बच्चे की तरह, क्योंकि वो रामोजी सकपाल के जो चार बच्चे थे उसमें तीन बच्चे उनके मर गए थे भूख के कारण, बीमारी के कारण, और ये बेचारा जो है विलक्षण बुद्धि का विद्यार्थी, इसके ऊपर जो है महादेव अम्बेडकर जी की कृपा हुई, दया आ गई और एक प्रकार से पुत्रवत उन्होंने स्वीकार किया और अपनी टाइटल दे दी, अपना जो है नाम दिया और उस नाम के कारण ही ये तो तीन बार तो फेल किए, तीसरी बार में इन्होंने जो है मैट्रिक पास की है और बहुत मेहनत लेकिन आगे जाकर किया है, तो ये सारा श्रम को एक शब्द में ये कर देना कि ब्राह्मणों ने ये किया है। अरे भाई मनुस्मृति के अनुसार मैं स्वयं शूद्र हूँ, जी जी जी, कायस्थ जाति आप पढ़े मनुस्मृति, कायस्थ मनु में तो मुझे शूद्र घोषित किया है, तो मैं तो स्वयं शूद्र हूँ और मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या हूँ, लेकिन चलिए मैं स्वयं को ब्राह्मण इसलिए मानता हूँ कि गीता ने स्पष्ट निर्देश दिया है, ज्ञान विज्ञान मस्तिष्क ब्राह्मण, धन्यवाद सर, बड़े अच्छे विचारों से आप लोग आपने लोगों को आलोकित किया है, एक बार पुनः आपके प्रतिज्ञा जी दोबारा इस विषय को लेंगे, धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार, मैं आपसे फिर दोबारा बात करूंगा, थैंक यू एवरीवन, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, मैडम शिखा आप रिकॉर्डिंग क्लोज कर सकते हैं, मैडम मीनाक्षी, हाँ जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू मैडम अंजलि जी, धन्यवाद, थैंक यू।